अपने मुल्क को अपनी माँ का दर्जा देते हो ना तुम, उसकी छाती से उसका दामन खींचकर तुम सबका सर शर्म से नहीं झुकाया। ज़हीर खान, कायरों की तरह मंदिरों और मस्जिदों में घुसकर औरतों और बच्चों को मारते हो। अब तक जिंदा हो क्योंकि हमारी सरकार ने हमें रोक रखा है। जिस दिन जंग का ऐलान हो गया, अंदर घुसकर मारेंगे। हमारा एक एक जवान तुम्हारी नपुंसक फौज पर भारी पड़ेगा। एक्टर अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म हुजदी प्राइड ऑफ इंडिया, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। कुछ दिन पहले ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। वहीं अब हाल ही में इस फिल्म का नया गाना देश मेरे रिलीज कर दिया गया है। इस गाने को सुनकर किसी का भी देशभक्ति का जज्बा जग जाएगा। भुज का नया गाना देश मेरे पूरी तरह से देशभक्ति का जज्बा जगाने वाला है। गाने में युद्ध की तैयारियां होते हुए दिखाई जा रही है। ये गाना जितना देशभक्ति से भरा हुआ है, उतना ही ज्यादा इमोशनल भी है। इस गाने को अजय देवगन ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया। गाने को रिलीज करते हुए कैप्शन में अजय देवगन ने लिखा, अरिजीत सिंह की सोलफुल आवाज में नया गाना आपके अंदर देशभक्ति जगा देगा। अजय देवगन की इस फिल्म का गाना फैंस को काफी पसंद आ रहा है। गाने को अरिजीत सिंह ने अपने मखमली आवाज से सजाया है। गीत के बोल मनोज मुंतिशर ने लिखे हैं। गाने को देख पूरी तरह से लोग इमोशनल हो जाएंगे। ऐसे में इस गाने से लोग जुड़ाव भी महसूस कर रहे हैं। वहीं इससे पहले फिल्म का एक रोमांटिक गाना हंजुम गम रिलीज किया गया था। इस गाने में अजय देवगन और परिणीता सुभाष नजर आए थे। गाने को जुबिन नौटियाल ने आवाज़ दिया था। और उससे पहले देखा जाए तो भाई भाई रिलीज हुआ था सॉन्ग। ओवरऑल फिल्म से 3 सॉन्ग रिलीज हो चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सॉन्ग अभी पसंद आया मुझे, वो है देश मेरे। बहुत हार्ट टचिंग सॉन्ग है, आपको ज़रूर ज़रूर सुनना चाहिए। आपकी आंखें नम हो जाएंगी, इतनी तो मैं गारंटी देता हूँ। वेल, अगर आपने सुन लिया तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कर सकते हैं, और नहीं सुना तो प्लीज़ जाइए और गाने को और जो इसमें फिल्माए गए सीन है उसे इंजॉय कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड। कौन है वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो दिखेंगे भुज में? क्यों डिले हुआ नौरा फतेही का डांस नंबर? कितना खर्चा करना पड़ा भुज के एक्शन सीक्वेंस के लिए? भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के लिए तैयार है सभी। ये फिल्म होने वाली है 13 अगस्त को रिलीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। भुज दर्शाएगी एक ऐसी कहानी जो देखकर आपको यह महसूस होगा कि अगर सही इरादा होता है तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। भुज की स्टोरी बेस्ड है इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक के ऊपर, जिन्होंने 300 औरतों के साथ एक पूरा IAF एयर का बेस रीबिल्ट किया था। ये सारी औरतें आसपास के गांव से आई थी इंडियन एयरफोर्स की मदद करने। रिसेंटली रिलीज हुई है फिल्म का पहला गाना हंजुंगम, जो ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है क्योंकि सॉन्ग में अजय देवगन और परिणीता सुभाष की केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत लग रही है। और इसी बीच होने वाला है रिलीज भुज का दूसरा गाना नौरा फतेही का डांस सॉन्ग जालिमा कोका कोला, जो टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो सॉन्ग अब 28 जुलाई को रिलीज होने वाली है। जनरली नौरा फतेही को डांस नंबर में फीचर होते हुए देखा जाता है, लेकिन इस बार वो स्टार कास्ट में भी इंक्लूडेड है। इसी वजह से नौरा बन गई है इस फिल्म का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि लोग हैं काफी क्यूरियस ये जानने के लिए कि नौरा अपने पार्ट को किस तरह निभाएगी। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, नौरा के अलावा इस मूवी में काम करने वाले हैं अनिरुद्ध सिंह, जो रियल लाइफ में भी एक पुलिस ऑफिसर है। 41 इयर्स ओल्ड अनिरुद्ध फिलहाल यूपी के बंधायून जिले में तैनात है और यूपी के टॉप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट में से एक है। फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक ने कहा कि असल जिंदगी में पुलिस की डेडिकेशन को देखने के लिए अनिरुद्ध को इस फिल्म में लिया गया। अनिरुद्ध ने ड्यूटी पर जाने का फैसला लिया था, नहीं तो उनका रोल और भी ज्यादा होता। फिल्म के डायरेक्टर एक के मुताबिक अनिरुद्ध भले ही शूटिंग पर थे, लेकिन कॉन्स्टेंटली अपने कोवर्कर्स के साथ टच में रहे। इस फिल्म में हर एक एक्शन सीक्वेंस अपने आप में ही काफी बड़ी चीज थी। इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स के अलावा बहुत टफ बैटल सीन्स भी है और मेकर्स का ये
दावा है कि इस वजह से फिल्म में यूज किया गया है VFX जो इंडिया में पहले कभी नहीं देखा गया। इस फिल्म में 100 केजी लाल मिर्ची से लेकर 100,000 और 200,000 लोगों का भी इस्तेमाल किया गया है और इस फिल्म में हाइड्रोक्रोलिक पंप का भी यूज किया गया है जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इन एक्शन सीक्वेंस के लिए भी भुज का बजट काफी बढ़ गया था और प्रोडक्शन हाउस को हर दिन 50,00,000 खर्च करना पड़ा। अब बस ये देखना है कि ये क्या ये खर्चे रंग लाते हैं या नहीं। इस फिल्म में अजय देवगन, नौरा फतेही, प्रणीता सुभाष के अलावा है एमी विकार, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, शरद केलकर और इलान ढिलोनी जैसे एक्टर्स। तो क्या आप है तैयार भुज के लिए? हमें बताइए जरूर और इसी फिल्मी दुनिया की खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियो। दोस्तों, अजय देवगन की फिल्म भुज प्राइड ऑफ इंडिया में लगातार देरी हुई है। फिल्म से जुड़े ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक सामने आई है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म को IPL के दौरान ही OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज करना था। इसके लिए हॉटस्टार ने अजय के साथ एक ऐड भी बनवाया था। यह ऐड तो इन दिनों मैच के दौरान प्रसारित हो रहा है मगर फिल्म भुज अब तक पूरी भी नहीं हो पाई। इन दिनों फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन काम जारी है। ऐसे में अब हॉटस्टार फिल्म को ईद पर लाने की तैयारी कर रहा है। भुज को ईद पर लाने की वजह यह भी है कि फेस्टिवल पर अब राधे या सत्यमेव जयते 2 सिनेमाघरों में नहीं आ रही हैं। ऐसे में मेकर्स इस फिल्म के जरिए ऑडियंस को एक बड़ी फिल्म की सौगात देना चाहते हैं। OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार का यह भी मानना है कि इस ईद जैसे बड़े मौके पर जब सलमान खान की फिल्म रुक रही है तो अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी जैसी बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म लोगों को लुभाने में कामयाब हो सकती है। बता दें कि फिल्म में नोरा फतेही और शरद केलकर जैसे भी एक्टर्स नजर आएंगे। फिल्म का 70% हिस्सा एक्शन सीक्वेंस से भरा पड़ा है। इन सीन्स को कोरियोग्राफ करने के लिए बाहुबली फिल्म एक्शन डायरेक्टर पीटर हैंस को हायर किया गया था। एक्शन सीक्वेंस को फिल्माने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसकी लागत ही 10 करोड़ के आसपास है। फिल्म में असली टैंक यूज हुए हैं। उन्हें उड़ाने के लिए प्रोटोटाइप टैंक भी बनाए गए जिनकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए है। कुल मिलाकर एक्शन सीक्वेंस में ही 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब इस पर 35 करोड़ का VFX वर्क हो रहा है। इन दिनों फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफी तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि इस फिल्म से रिलेटेड अजय देवगन इसकी क्वालिटी के साथ किसी भी तरह से समझौता नहीं करना चाहते। इसके लिए इसके पोस्ट प्रोडक्शन में खास वक्त लग रहा है। फिल्म की एडिटिंग पूरी हो चुकी है। वॉर सीक्वेंस वाले सीन में हैवी VFX पर काम किया जाना बाकी है। बता दें कि 95% VFX का यूज किया जा रहा है फिल्म में। वेल, अगर ऐसा है तो फिल्म में सच में टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो VFX मैच करना वॉर सीक्वेंस के साथ, उनको एडिट करना बहुत लफड़े का काम होता है और अजय देवगन क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है वक्त लगेगा, बट हमें इंतजार है कि फिल्म जल्द से जल्द ईद पे रिलीज हो और हम इसका मजा ले पाए। हम भी तो देखें कि 35 करोड़ रुपए वाले VFX वर्क कैसा होता है और कैसे होते हैं 20 करोड़ रुपए वाले एक्शन सीक्वेंसेस। वेल, आपको क्या लगता है कितना एक्साइटिंग होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अजय देवगन स्टारर फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया इसी साल 15 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। रिपोर्ट्स में यह दावा फिल्म से जुड़े करीबी रिपोर्ट्स ने किया है। कहा जा रहा है कि मेकर्स को फिल्म के लिए ये समय सबसे बेहतर लग रहा है। उन्हें लगता है कि देशभक्ति की थीम और अजय देवगन की मौजूदगी की वजह से ये फिल्म स्ट्रीमिंग का एक नया रिकॉर्ड बना सकती है। अभिषेक दुधिया ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, शरद केलकर और एमी विक भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त की है। इसमें बताया गया कि कैसे उस वक्त गुजरात के एक गांव की 300 महिलाओं ने बमबारी में तबाह हुए एयरबेस को फिर से बनाने में भारतीय यानी कि इंडियन वायुसेना की मदद की थी। और वो जो एक्शन सीन है उसको डिजाइन किया गया है काफी महंगे दामों में। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म को लेकर काफी डिले हो रही है और ये फिल्म से जुड़े ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक सामने आई है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म को IPL के दौरान ही OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज करना था। इसके लिए हॉटस्टार ने अजय के साथ एक ऐड भी बनवाया था। यह ऐड तो इन दिनों मैच के दौरान प्रसारित हो रहा है मगर फिल्म भुज अब तक पूरी भी नहीं हो पाई। इन दिनों फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन काम जारी है। ऐसे में अब हॉटस्टार फिल्म को ईद पर लाने की तैयारी कर रहा है। भुज को ईद पर लाने की वजह ये भी है कि फेस्टिवल पर अब राधे या सत्यमेव जयते 2 सिनेमाघरों में नहीं आ रही हैं। ऐसे में मेकर्स इस फिल्म के जरिए
ऑडियंस को एक बड़ी फिल्म की सौगात देना चाहते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार का यह भी मानना है कि इस ईद जैसे बड़े मौके पर जब सलमान खान की फिल्म रुक रही है तो अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी जैसी बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म लोगों को लुभाने में कामयाब हो सकती है। बता दें कि फिल्म में नोरा फतेही और शरद केलकर जैसे भी एक्टर्स नजर आएंगे। फिल्म का 70% हिस्सा एक्शन सीक्वेंस से भरा पड़ा है। इन सीन्स को कोरियोग्राफ करने के लिए बाहुबली फिल्म एक्शन डायरेक्टर पीटर हैंस को हायर किया गया था। एक्शन सीक्वेंस को फिल्माने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसकी लागत ही 10 करोड़ के आसपास है। फिल्म में असली टैंक यूज हुए हैं, उन्हें उड़ाने के लिए प्रोटोटाइप टैंक भी बनाए गए जिनकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए है। कुल मिलाकर एक्शन सीक्वेंस में ही 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब इस पर 35 करोड़ का VFX वर्क हो रहा है। इन दिनों फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफी तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि इस फिल्म से रिलेटेड अजय देवगन इसकी क्वालिटी के साथ किसी भी तरह से समझौता नहीं करना चाहते। इसके लिए इसके पोस्ट प्रोडक्शन में खास वक्त लग रहा है। फिल्म की एडिटिंग पूरी हो चुकी है। वॉर सीक्वेंस वाले सीन में हैवी VFX पर काम किया जाना बाकी है। बता दें कि 95% VFX का यूज किया जा रहा है फिल्म में। वेल, अगर ऐसा है तो फिल्म में सच में टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो VFX मैच करना वॉर सीक्वेंस के साथ, उनको एडिट करना बहुत लफड़े का काम होता है, और अजय देवगन क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है वक्त लगेगा, बट हमें इंतजार है कि फिल्म जल्द से जल्द ईद पे रिलीज हो और हम इसका मजा ले पाए। हम भी तो देखें कि 35 करोड़ रुपए वाले VFX वर्क कैसा होता है और कैसे होते हैं 20 करोड़ रुपए वाले एक्शन सीक्वेंसेस। वेल, आपको क्या लगता है कितना एक्साइटिंग होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अजय देवगन और संजय दत्त स्टार और फिल्म भुज दी प्राइड ऑफ इंडिया का अभी हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला। आज फिल्म का दूसरा ट्रेलर रिलीज हुआ। इस ट्रेलर में एक जबरदस्त वॉर सीन्स के साथ साथ देशभक्ति में डूबे अजय देवगन के डायलॉग शानदार हैं, जिसमें वो कह रहे हैं, तू हमारी औकात का अंदाजा क्या लगाएगा, हम उस मां छत्रपति शिवाजी महाराज की औलाद हैं जिन्होंने मुगलों को घुटने पे ला दिया था और अपने खून से हिंदुस्तान का इतिहास लिखा था। दोस्तों, देखा जाए तो स्वतंत्रता दिवस वाले वीकेंड को अजय देवगन की फिल्म भुज दी प्राइड ऑफ इंडिया से रंगने की तैयारी है। ये फिल्म 13 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है। फिल्म का दूसरा ट्रेलर काफी मजेदार है और पहले ट्रेलर से काफी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, फिल्म में 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध की एक घटना दिखाया गया है। बात करें पहले ट्रेलर की तो फिल्म के ट्रेलर में अजय देवगन का अंदाज लोगों का दिल जीत रहा था। अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा की आने वाली फिल्म भुज दी प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। फैंस को इस फिल्म के ट्रेलर का काफी बेसब्री से इंतजार था। ट्रेलर में देशभक्ति से भरे डायलॉग्स की भरमार दिख रही है। वहीं फिल्म के जबरदस्त एक्शन और फाइटर प्लेन के सीन्स रोमांचक पैदा कर देते हैं। अजय के फैंस को उनकी फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद आया। भुज का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर अजय की इस फिल्म की चर्चा तेजी से होने लगी। ट्विटर पर भुज दी प्राइड ऑफ इंडिया ट्रेंड करने लगा। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो अजय देवगन की ये तीसरी फिल्म अगस्त 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है। दोस्तों, दोनों ही ट्रेलर को, चाहे वो फिल्म का पहला ट्रेलर हो या फिर दूसरा, दोनों ट्रेलर्स को सोशल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। अजय देवगन के फैंस दोनों ट्रेलर को बहुत पसंद कर रहे हैं और उनकी उम्मीद इस फिल्म से अब कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। वेल, क्या आपने ट्रेलर देखा? नहीं देखा तो जाकर देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे बॉलीग्राड स्टूड। क्यों किया लोगों ने शुक्रिया भुज की टीम का? भुज का कौन सा गाना है पाकिस्तानी गाने का रीमेक? भुज के कौन से गाने में देखा जाएगा संजय दत्त को? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया होने वाली है रिलीज अगस्त के महीने में और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इस फिल्म के प्रोमो सभी के होश उड़ा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो इस फिल्म को और भी ज्यादा लाजवाब बनाती है। इस फिल्म की शूटिंग को लेकर लोग थे बड़े उत्सुक, तो आइए जानते हैं भुज की कौन सी शूटिंग से जुड़ी बात इस फिल्म को दिलचस्प बना रही है। इस अपकमिंग फिल्म की शूटिंग गुजरात में हुई थी और कुछ क्रिटिकल शॉट्स बारिश के दिनों में मांडवी एयरपोर्ट पर लिए गए थे, जो कि मांडवी एयरपोर्ट के एरिया में 4 साल से बारिश नहीं हुई थी। इसी वजह से
फिल्म मेकर्स इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे। इस सीन के लिए बारिश का होना बेहद जरूरी था, इसीलिए बिना किसी रुकावट के उन्होंने इस सीन की शूटिंग जल्द ही खत्म भी कर दी। लेकिन ये बारिश भी कुछ ही दिनों में रुक गई। दोस्तों आपको बता दूं, इस एरिया के लोग भुज को अपना लकी चार्म मानते हैं। चार साल बाद इस बारिश के आने से वो सब इतने खुश हुए कि वो मनाने लगे भुज की शूटिंग का जश्न। उन्होंने तो भुज के सेट पर आकर अजय देवगन और फिल्म के बाकी सारे लोगों को शुक्रिया भी कहा। इतना ही नहीं दोस्तों, फिल्म का पहला गाना दर्शकों के बीच हिट भी हुआ है और उसके बाद रिलीज हुआ फिल्म का दूसरा गाना जिसमें नौरा फतेही डांस करते हुए नजर आ रही हैं। जी हां, बात करें जालिमा कोका कोला की, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि जिस पाकिस्तान से जंग दिखाया गया है, उसी पाकिस्तान का एक गाना भी फिल्म में इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, नौरा फतेही का डांस नंबर जो है जालिमा कोका कोला, ये ओरिजिनली एक पाकिस्तानी गाना है। 1986 में पाकिस्तान के मशहूर कलाकार नूरजहान के आवाज में जालिमा कोका कोला पहली बार सुना गया था और पाकिस्तानी आर्टिस्ट मिशा सैफी और उमर जायसवाल के द्वारा 2016 में इस गाने को फिर से गाया गया था। और अब मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना गूंज रहा है बॉलीवुड में। जी हाँ, यूट्यूब पर अभी तक इस गाने को कई मिलियंस में व्यूज मिल चुके हैं। ये पहली बार नहीं है कि किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के गाने को बॉलीवुड में रीमेक के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो। आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन की डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी हमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट नाजिया हसन का गाना डिस्को दीवाने का रीमेक देखने और सुनने को मिला था। इस फिल्म का तीसरा गाना भी हो गया है रिलीज, जिसमें देखे जाएंगे संजय दत्त। इस गाने का नाम है भाई भाई। ये गाना गाया है मिक्का सिंह ने और इसे कंपोज किया है लीजो जॉर्ज और डीजे चीताज ने। और इस गाने के लिरिक्स का श्रेय जाता है मनोज मुस्ताशिर को। जी हाँ दोस्तों, संजय दत्त के जन्मदिन के मौके पर इस गाने को रिलीज किया और साथ ही KGF 2 ने भी संजय दत्त के लिए एक खास प्रिपरेशन किया है। जी हाँ, KGF 2 ने मूवी से जुड़ा एक पोस्टर जिसमें संजय दत्त का कैरेक्टर अधीरा खुलकर सामने आ रहा है, उसे भी रिवील किया है संजू बाबा के जन्मदिन के मौके पर ही। तो दोस्तों, क्या आप सभी तैयार हैं भुज के लिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। कौन सा किरदार प्ले कर रही है सोनाक्षी सिन्हा? क्या नौरा बनी पाकिस्तानी डांसर? नमस्कार, मैं अपर्णा सिन्हा और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। मूवी का ट्रेलर 12 जुलाई को सामने आया था। यह धमाकेदार ट्रेलर देखने के बाद कोई भी इसकी तारीफ के बिना नहीं रह पा रहा है। ट्रेलर की शुरुआत 1971 भुज गुजरात की डेट के साथ होती है, के बाद दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय एयरबस पर अचानक हमला कर देती है, जिसके बाद भारतीय सेना भी इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देते दिखाई देगी। ट्रेलर में मिसाइल लॉन्च से लेकर वॉरशिप्स पर हमले और बहुत कुछ दिखाया गया है। इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, एमी विर्क, नौरा फतेही और शरद कैलकर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। इस मूवी में अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा का लुक तो पहले ही सामने आ चुका है। मूवी में सोनाक्षी सिन्हा सुंदरबेन जेठा मधा परिया के रोल में नजर आएंगी, जो एक जानबाज सामाजिक सेविका थी। उन्होंने 299 महिलाओं के साथ भारतीय सेना का साथ दिया था। महिलाओं की इस बहादुर फौज ने सेना के लिए रनवे तैयार किया था। बात करें सुपरस्टार अजय देवगन की, तो वे इसमें इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर विजय कार्निक का किरदार निभा रहे हैं। अभिषेक दूधिया की बतौर निर्देशक ये पहली मूवी है। वेल, अब बात करें अपनी ग्लैमरस अंदाज के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस नौरा फतेही की, तो इस मूवी में वो काफी अहम भूमिका निभाएंगी। बताया जा रहा है कि फिल्म
में नौरा फतेही ने पाकिस्तान की एक डांसर का किरदार निभाया है जो वास्तव में भारत की खुफिया एजेंसी के लिए काम करती है। नौरा का किरदार एक रॉ एजेंट का है जो पाकिस्तान सेना की खुफिया जानकारी भारतीय सेना को भेजती है। अपने देश की रक्षा के लिए वह हर हद पार करने के लिए तैयार रहती है। भुज में जब पाकिस्तान में युद्ध छिड़ता है तब वह हर पड़ाव को पार करते हुए दुश्मनों की गोलियों का सामना भी करती है। नौरा का डायलॉग लोगों को बेहद पसंद आया है और उनका डायलॉग क्या है चलिए हम आपको बताते हैं। या खुदा अपनी अदालत में मेरी एक जमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं मेरे हिंदुस्तान को सलामत रखना। जब नौरा ये डायलॉग बोलती है तो ऐसा लगता है मानो कोई असली सिपाही बोल रहा है। नौरा ने अपने किरदार को बखूबी निभाते हुए उसे रियलिस्टिक बनाया है। नौरा ने साबित किया वह एक सरप्राइज पैकेज है जिन्हें स्क्रीन पर देखना कभी घाटे का सौदा नहीं हो सकता। रिपोर्ट्स की माने तो लोगों का कहना है कि नौरा हिंदुस्तान के लिए बलिदान देंगी, लेकिन मानना पड़ेगा नौरा ने गजब की एक्टिंग की है। नौरा का यह किरदार आलिया भट्ट की राजी किरदार से मिलता जुलता है। हालांकि वास्तव में वह महिला कौन थी जिसका किरदार नौरा ने निभाया है इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। वैसे तो नौरा कई मूवी में अभिनय कर चुकी है, भले ही उनके छोटे से रोल रहे हैं, लेकिन उन छोटे से रोल में भी नौरा ने कमाल की एक्टिंग की। मूवी बाटला हाउस की बात करें तो इस मूवी में नौरा ने बहुत ही छोटा सा किरदार निभाया था, लेकिन वह छोटा सा रोल बहुत ही शानदार था। अब नौरा ने एक बार फिर से अपने अभिनय से अपने प्रशंसकों को हैरान कर दिया है। और तो और भूज के ट्रेलर में नौरा का नॉन ग्लैमरस अंदाज तो दर्शकों को काफी पसंद किया जा रहा है। अब बात करें कन्नड़ एक्ट्रेस प्रणीता सुभाष की तो वो भी भूज में नजर आने वाली है। आपको बता दें प्रणीता भूज के साथ साथ हंगामा 2 में भी नजर आने वाली है। हंगामा 2 जो इससे बिल्कुल अलग है और लाइट कॉमेडी मूवी है। एक्ट्रेस प्रणीता सुभाष को अजय देवगन स्टार फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया के लिए अप्रोच किया गया है। मूवी में वो डबल रोल में नजर आने वाली हैं। इस मूवी के लिए प्रणीता बाहुबली फेम एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी की तरह चैलेंजिंग किरदार निभाएंगी। अपनी अगली मूवी में प्रणीता जहां तक एक भूमिका में स्लिम गर्ल का किरदार निभाती दिखेंगी, तो वहीं दूसरे रोल में वे इससे अपोजिट यानी मोटी लड़की के रूप में दिखाई देंगी। बता दें कि बाहुबली में देवसेना का किरदार निभाकर जबरदस्त पॉपुलैरिटी बटोरने वाली अनुष्का शेट्टी भी अपने एक मूवी के लिए ऐसी मेहनत कर चुकी है जिसमें उन्हें काफी वजन गेन करना पड़ा था। अनुष्का की गिनती उन सेलेब्स में की जाती है जो अपने लुक के लिहाज से खुद को बदल देते हैं और उसी किरदार में पूरी तरह से ढल जाते हैं। उन्हें फिल्म साइज जीरो के लिए करीब 20 किलो वजन बढ़ाया था और फिर दोबारा साइज जीरो होने के लिए कड़ी मेहनत की थी। सुनने में आया है कि अब प्रणीता भी ऐसा ही कुछ करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रणीता ने अजय देवगन स्टार भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के लिए भी वजन बढ़ाने का फैसला लिया है। प्रणीता अब अनुष्का शेट्टी के नक्शे कदम पर चलकर रोल में जान डालने की कोशिश में है। प्रणीता ने मूवी को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं हमेशा से ऐसी फिल्में करना चाहती थी जो देशभक्ति और हार्ड हिटिंग हो। उरी और राजी जैसी देशभक्ति की फिल्में देखकर हर कोई उसका हिस्सा बनना चाहता है। अब यूजर्स रियल घटनाओं या रियल लोगों की कहानियां देखना पसंद करते हैं। प्रणीता ने बताया वो सबसे अच्छा अनुभव था जब टीम ने स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक और उनकी पत्नी मीशा से सेट पर मुलाकात की और उनके एक्सपीरियंस पर बात की। उन्होंने उस समय के कुछ दिलचस्प किस्से बताए। प्रणीता ने भुज पर फिल्म बनाते हुए डायरेक्टर और पूरी टीम जो सावधानी बरत रही है उनके बारे में बात की। उन्होंने कहा ये जरूरी है ताकि मूवी में तथ्यों के साथ गलत ना हो। प्रणीता ने कहा भुज आम मसाला फिल्मों की तरह नहीं है जहां हीरो एक सैनिक है लेकिन अचानक स्विट्जरलैंड में गाना गाने लगता है। प्रणीता का सपना है कि उन्हें एक बार SS राजमौली के साथ काम करने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि प्रभास और राजा मौली के साथ काम करना उनका सबसे बड़ा सपना है। यह मूवी स्वतंत्र दिवस के वीकेंड यानी 13 अगस्त को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है।
हालांकि मूवी में उनकी भूमिका दर्शकों को कितनी इम्प्रेसिव लगेगी ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब देखना यह है कि देश प्रेम से बनी यह मूवी हिट साबित होती है या नहीं, और आप सभी भूज में अपने फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, रोंगटे कैसे खड़े हो जाएंगे, नोरा फतेही का किरदार आपके दिल में कैसे छा जाएगा, क्या होने वाली है इस फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जाट। दोस्तों, अजय देवगन की भूज द प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर फाइनली रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के डायलॉग्स और सभी कलाकारों की चर्चा हो रही है। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ संजय दत्त, शरद केलकर, सोनाक्षी सिन्हा और नोरा फतेही जैसे कलाकार हैं। लेकिन अचानक लाइमलाइट में आ रहा है नोरा फतेही का नाम, क्योंकि नोरा को इससे पहले ऐसे किरदार में कभी नहीं देखा गया होगा। नोरा फतेही की ट्रेलर में पहली झलक ये साफ बता रही है कि वो केवल एक डांसर के तौर पर नहीं बल्कि फिल्म में एक्शन और देशभक्ति के रंग में रंगी हुई नजर आने वाली है। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के सभी देशभक्ति जज्बा वाले डायलॉग्स के बीच नोरा फतेही की आवाज में मैं रहूं या ना रहूं हिंदुस्तान रहेगा ये छाया हुआ है। नोरा फतेही ने अपनी इंस्टा स्टोरी में ट्रेलर को साझा किया है जो ये बताता है कि नोरा भी भुज के कलाकारों की फौज में एक दमदार एक्ट्रेस के तौर पर उभर कर आई है और सभी नोरा की बहुत ज्यादा तारीफें भी कर रहे हैं। भुज की कहानी 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुई एक सच्ची और साहसिक घटना से प्रेरित है। स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्ने की भूमिका में अजय देवगन है। नोरा फतेही ने इस फिल्म में भारतीय जासूस की भूमिका निभाई है जहां वो पहली दफा स्क्रीन पर खतरनाक एक्शन करते हुए भी नजर आएंगी। मतलब उसमें नोरा फतेही इससे पहले अपनी एक्टिंग की झलक दिखा चुकी है जिसकी तारीफें भी हुई थी। इसके बाद नोरा को अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने का मौका मिला है। भुज में ट्रेलर के सामने आते ही नोरा ने अपनी झलक फैंस को इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर की है जो कि फैंस को हैरान करने वाली है। यहां पर इस सीन के साथ नोरा जय हिंद बोलते हुए नजर आ रही है। नोरा फतेही ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने फिल्म में ऐसा किरदार निभाया है जिसे देखने के बाद लोगों को, दर्शकों को मुझ पर गर्व महसूस होगा। इस ट्रेलर को देखने पर नोरा फतेही के 3 डायलॉग शामिल किए गए हैं जहां वो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए सिपाही के तौर पर पूरी तरह से तैयार है। नोरा फतेही की ट्रेलर में झलक फैंस को दीवाना बना रही है। उसके अलावा जितने भी किरदार है, संजू बाबा और सोनाक्षी सिन्हा, अजय देवगन, ये तो छाए हुए हैं। साथ ही शरद केलकर की जो दमदार आवाज है वो हमेशा से लोगों को दीवाना बनाती रही है, तो इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें इसे OTT पर रिलीज किया जाएगा, लेकिन ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि काश ये बड़े पर्दे पर होती तो और भी ज्यादा मजा आता। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह तो दोस्तों, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में जानिए कौन कौन लेगा अहम हिस्सा, किसी कहानी पर आधारित है फिल्म भुज, कौन थे विजय कार्तिक। एक के बाद एक हिट पिक्चर्स देने के बाद एक बार फिर आ चुके हैं एक्टर अजय देवगन अपने नए प्रोजेक्ट के साथ। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी, और मैं लेकर आई हूं आज आपके लिए टी सीरीज के प्रोडक्शन हाउस में तैयार हुई फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक द्विवेदिया हैं और प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, गिनी खनूजा, कृष्ण कुमार के संग कई अन्य प्रोड्यूसर्स ने अंडर द बैनर टी सीरीज सिलेक्ट मीडिया होल्डिंग्स LLP। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2019 में शुरू हो गई थी जिसमें कई सिटीज शामिल थी जैसे हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, इंदौर, भोपाल व दुबई। पर फिर मार्च 2020 से ये तो शूटिंग व प्रोडक्शन का सारा काम मानो थम ही गया था। सही बात है, और कर भी क्या सकते थे मेकर्स, इस कोरोना वायरस ने तो सबके हाथ पांव जो बांध दिए थे। पर दोस्तों, ये तो अच्छा हुआ था कि फिल्म 90% तक कंप्लीट हो चुकी थी। हालांकि पोस्ट प्रोडक्शन का काम रुक जाने के कारण फिल्म की रिलीज में देरी आ गई थी, पर वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। मार्च 2021 में फिल्म को फाइनल रैपअप दिया गया। अजय ने आखिरी शूटिंग हैदराबाद में की। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में नजर आने वाले। इनके अलावा फेमस एक्टर सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, नोरा फतेही व महेश शेट्टी भी हैं।
अजय भुज में स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्ती के किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों बता दूं कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित एक वॉर एक्शन मूवी है। टॉलीवुड इंडस्ट्री की हीरोइन प्रणीता सुभाषिन फिल्म से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाली है। खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि फिल्म में और भी कई सितारे मौजूद होंगे। ये तो सुनकर ही एक्साइटमेंट होने लगी, आखिर इतने सारे एक्टर जिस फिल्म में होंगे, फिल्म तो बेशक लाजवाब ही होगी। दोस्तों खबरों की माने तो फिल्म 14 अगस्त 2020 को थिएटर्स में आने वाली थी, पर वो कोविड-19 की वजह से इस फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाते हुए उसकी फाइनल डेट 29 जून 2021 को रखी गई थी। वैसे तो सिचुएशन ठीक होने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। कोरोना के सेकेंड वेव को देखते हुए मेकर्स का फाइनल डिसीजन ये है कि वो इस फिल्म को थिएटर में नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे। तो दोस्तों हम अपने प्यारी जनता को ये बताना चाहेंगे कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आएगी उनके फेवरेट एक्टर अजय देवगन की मूवी बुश द प्राइड ऑफ इंडिया। फिल्म के सॉन्ग को लेकर कहा जा रहा है कि फैंस को इस फिल्म के सॉन्ग जरूर पसंद आएंगे। म्यूजिक दिया है विशाल शेखर। अजीज जोड़ी का तो नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि गाने तो वाकई लाजवाब होंगे। इसके पूर्व बाटला हाउस, बचना है हसीनो, हैप्पी न्यू ईयर में ओम शांति ओम जैसी फिल्मों के भी सुपरहिट गाने गाए हैं। हाल ही में अजय ने ताना जी से ढेर सारी कमाई की थी, उसके बाद ये नया प्रोजेक्ट लेकर उतर रहे हैं OTT पर। फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटना पर आधारित है। हमारी सेना के शौर्य की न जाने कितनी अनसुनी कहानियां, कितने ऐसे हीरो हैं जिनके बारे में हम कम ही जानते हैं। अब दोस्तों फिल्म के ही बहाने हमें ये पता तो चलेगा कि किस तरह सेना के जवानों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने भुज यानी कि गुजरात के मधापुर इलाके में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्रिप को तहस नहस कर दिया था। स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्तिक ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए वहां रहने वाली 300 महिलाओं के साथ मुश्किलों से जूझते हुए एयर स्ट्रिप को वापस तैयार किया, जिसमें प्लेन में सवार सेना के जवान सुरक्षित लैंड हो सके। विजय कार्तिक ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। हौसले और जज्बे की इसी ट्रू स्टोरी को डायरेक्ट अभिषेक भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में एक बार फिर जिंदा करने जा रहे हैं। अभिषेक की ये न्यू प्रोजेक्ट होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, अजय के अलावा उनके ऑपोजिट होंगी सोनाक्षी सिन्हा, जो सुंदर बेन जेठा मधा परिया के रोल में है, जिन्होंने वहां की औरतों के साथ वॉर सिचुएशन में एयरफोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एयर स्ट्रिप बनाने का काम किया था। फिल्म की बेहतरीन कहानी सुनने के बाद जब पता चलता है कि इतने सारे होनहार एक्टर फिल्म का अहम हिस्सा लेने वाले हैं, एक्साइटमेंट तो डबल ट्रिपल होने लगती है। जानना बहुत खास होगा कि फिल्म में और कितने रोमांचक सीन्स होंगे। बाकी की कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। अजय देवगन इज बैक विथ हिज ऑफिसर लुक। इस बार हमारे लिए कुछ अलग लेकर आ रहे हैं। अजय देवगन एक ऐसे एक्टर है जिन्हें किसी भी किरदार में डालो वो छा ही जाते हैं। चाहे वो गुस्से में उंगली तोड़ने वाला गोलमाल का कॉमेडी कैरेक्टर हो या फिर सिंघम का चार्मिंग डिसिप्लिन्ड इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम हो, दर्शक उन्हें सारे रोल्स में पसंद करते हैं। उनके आज तक के सबसे सराहना मिलने वाले रोल्स में से कुछ थे बाजीराव सिंघम का रोल और रेड में उन्होंने निभाया हुआ ऑफिसर, और साथ ही साथ दृश्यम में चालबाज पिता का उनका सीरियस वाला रोल, जिसका मतलब ये है कि उनको उनके कॉमेडी किरदारों से ज्यादा स्ट्रिक्ट और सीरियस रोल्स में दर्शक ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही एक सीरियस ऑफिसर का रोल निभाते हुए अजय देवगन हमें फिर से दिखाई देने वाले हैं। मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड में नई आने वाली फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया इस फिल्म के बारे में। आज के वीडियो में नजर डालते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में और अजय देवगन का इसमें कौन सा किरदार है इसके बारे में जानने के लिए। कई फिल्मों में सख्त पुलिस वाला किरदार निभाने के बाद अजय देवगन अब भारतीय वायु सेना के सदस्य के रूप में दिखाई देंगे। वह भुज द प्राइड ऑफ इंडिया नामक इस फिल्म में IAF विंग कमांडर विजय करनी की भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभिषेक दुधैया द्वारा लिखित और निर्देशित ये फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। निर्माताओं के अनुसार स्क्वाड्रन लीडर विजय करने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज थे। ये कर्मिक और उनकी टीम थी जिन्होंने स्थानीय महिलाओं की मदद से गुजरात के भुज में नष्ट हुई भारतीय वायुसेना की हवाई पट्टी का पुनर्निर्माण किया, जिसे भारत का पर्ल हार्बर क्षण कहा जा सकता है। इस इंसिडेंट में हवाई हमले किए गए थे जिसमें पाकिस्तान ने उस पर बम गिराए थे।
कर्निक ने आसपास के एक गांव की 300 निडर महिलाओं को हवाई पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए राजी किया था, ताकि भारतीय सेना के अधिकारियों को ले जाने वाली एक उड़ान सुरक्षित रूप से उतर सके। उसने दो अन्य अधिकारियों, 50 वायु सेना के सैनिकों और 60 रक्षा सुरक्षा कर्मियों के साथ भारी पाकिस्तानी बमबारी के बावजूद एयरबेस को चालू रखने का शानदार काम किया था। फिल्म के बारे में बात करते हुए भूषण कुमार, जो फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, ने कहा, इस साहसी कहानी को बताने की आवश्यकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को इस बहादुर सैनिक स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णी के बारे में पता चले, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 1971 की लड़ाई में भारत को जिता दिया। वह एक युद्ध में नागरिकों को शामिल करने के इस साहसिक कदम को उठाने के लिए पर्याप्त रूप से वीर थे। इसके अलावा विजय कर्णी की भूमिका के लिए अजय देवगन से बेहतर कौन हो सकता है भला। और इस तरह से इस साहसिक कहानी को हमारे सामने अजय देवगन जल्द ही लेकर आने वाले हैं। ये फिल्म 15 अगस्त 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। इसमें हमें अजय देवगन के साथ संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, परिणीति चोपड़ा, शरद केलकर प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अजय देवगन की अब तक की कौन सी मूवी आपकी सबसे फेवरेट है। और जाते जाते वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। कौन है वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो दिखेंगे भुज में? क्यों डिले हुआ नौरा फतेही का डांस नंबर? कितना खर्चा करना पड़ा भुज के एक्शन सीक्वेंस के लिए? भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के लिए तैयार है सभी। ये फिल्म होने वाली है 13 अगस्त को रिलीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। भुज दर्शाएगी एक ऐसी कहानी जो देखकर आपको यह महसूस होगा कि अगर सही इरादा होता है तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। भुज की स्टोरी बेस्ड है इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक के ऊपर, जिन्होंने 300 औरतों के साथ एक पूरा IAF एयर का बेस रिबिल्ट किया था। ये सारी औरतें आसपास के गांव से आई थी इंडियन एयरफोर्स की मदद करने। रिसेंटली रिलीज हुई है फिल्म का पहला गाना हंजंगम, जो ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि सॉन्ग में अजय देवगन और प्रणीता शिपास की केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत लग रही है। और इसी बीच होने वाला है रिलीज भुज का दूसरा गाना नौरा फतेही का डांस सॉन्ग जालिमा कोका कोला, जो टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो सॉन्ग अब 28 जुलाई को रिलीज होने वाली है। जनरली नौरा फतेही को डांस नंबर में फीचर होते हुए देखा जाता है, लेकिन इस बार वो स्टार कास्ट में भी इंक्लूडेड है। इसी वजह से नौरा बन गई है इस फिल्म का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि लोग हैं काफी क्यूरियस ये जानने के लिए कि नौरा अपने पार्ट को किस तरह निभाएगी। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, नौरा के अलावा इस मूवी में काम करने वाले हैं अनिरुद्ध सिंह, जो रियल लाइफ में भी एक पुलिस ऑफिसर है। 41 इयर्स ओल्ड अनिरुद्ध फिलहाल यूपी के बदायूं जिले में तैनात है और यूपी के टॉप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट में से एक है। फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक ने कहा कि असल जिंदगी में पुलिस की डेडिकेशन को देखने के लिए अनिरुद्ध को इस फिल्म में लिया गया। अनिरुद्ध ने ड्यूटी पर जाने का फैसला लिया था, नहीं तो उनका रोल और भी ज्यादा होता। फिल्म के डायरेक्टर एक के मुताबिक अनिरुद्ध भले ही शूटिंग पर थे, लेकिन कॉन्स्टेंटली अपने को वर्कर्स के साथ टच में रहे। इस फिल्म में हर एक एक्शन सीक्वेंस अपने आप में ही काफी बड़ी चीज थी। इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स के अलावा बहुत टफ बैटल सीन्स भी है और मेकर्स का ये दावा है कि इस वजह से फिल्म में यूज किया गया है VFX जो इंडिया में पहले कभी नहीं देखा गया। इस फिल्म में 100 kg लाल मिर्ची से लेकर 100,000 और 200,000 लोगों का भी इस्तेमाल किया गया है और इस फिल्म में हाइड्रोक्रोलिक पंप का भी यूज किया गया है, जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इन एक्शन सीक्वेंस के लिए भी भुज का बजट काफी बढ़ गया था और प्रोडक्शन हाउस को हर दिन 50 लाख खर्च करना पड़ा। अब बस ये देखना है कि ये क्या ये खर्चे रंग लाते हैं या नहीं। इस फिल्म में अजय देवगन, नौरा फतेही, प्रणीता शिभास के अलावा है एमी विकार, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, शरद केलकर और इलान ढिलोनी जैसे एक्टर्स। तो क्या आप है तैयार भुज के लिए? हमें बताइए जरूर। और इसी फिल्मी दुनिया की खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियो। दोस्तों, अजय देवगन स्टारर फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया इसी साल 15 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी।
रिपोर्ट्स में यह दावा फिल्म से जुड़े करीबी रिपोर्ट्स ने किया है। कहा जा रहा है कि मेकर्स को फिल्म के लिए ये समय सबसे बेहतर लग रहा है। उन्हें लगता है कि देशभक्ति की थीम और अजय देवगन की मौजूदगी की वजह से ये फिल्म स्ट्रीमिंग का एक नया रिकॉर्ड बना सकती है। अभिषेक दुधिया ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, शरद केलकर और एमी विक भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त की है। इसमें बताया गया कि कैसे उस वक्त गुजरात के एक गांव की 300 महिलाओं ने बमबारी में तबाह हुए एयरबेस को फिर से बनाने में भारतीय यानी कि इंडियन वायुसेना की मदद की थी। और वो जो एक्शन सीन है उसको डिजाइन किया गया है काफी महंगे दामों में। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को लेकर काफी डिले हो रही है और ये फिल्म से जुड़े ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक सामने आई है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म को आईपीएल के दौरान ही ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज करना था। इसके लिए हॉटस्टार ने अजय के साथ एक ऐड भी बनवाया था। यह ऐड तो इन दिनों मैच के दौरान प्रसारित हो रहा है मगर फिल्म भुज अब तक पूरी भी नहीं हो पाई। इन दिनों फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन काम जारी है। ऐसे में अब हॉटस्टार फिल्म को ईद पर लाने की तैयारी कर रहा है। भुज को ईद पर लाने की वजह यह भी है कि फेस्टिवल पर अब राधे या सत्यमेव जयते 2 सिनेमाघरों में नहीं आ रही हैं। ऐसे में मेकर्स इस फिल्म के जरिए ऑडियंस को एक बड़ी फिल्म की सौगात देना चाहते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार का यह भी मानना है कि इस ईद जैसे बड़े मौके पर जब सलमान खान की फिल्म रुक रही है तो अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी जैसी बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म लोगों को लुभाने में कामयाब हो सकती है। बता दें कि फिल्म में नोरा फतेही और शरद केलकर जैसे भी एक्टर्स नजर आएंगे। फिल्म का 70% हिस्सा एक्शन सीक्वेंस से भरा पड़ा है। इन सीन्स को कोरियोग्राफ करने के लिए बाहुबली फिल्म एक्शन डायरेक्टर पीटर हैंस को हायर किया गया था। एक्शन सीक्वेंस को फिल्माने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसकी लागत ही 10 करोड़ के आसपास है। फिल्म में असली टैंक यूज हुए हैं। उन्हें उड़ाने के लिए प्रोटोटाइप टैंक भी बनाए गए जिनकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए है। कुल मिलाकर एक्शन सीक्वेंस में ही 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब इस पर 35 करोड़ का VFX वर्क हो रहा है। इन दिनों फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफी तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि इस फिल्म से रिलेटेड अजय देवगन इसकी क्वालिटी के साथ किसी भी तरह से समझौता नहीं करना चाहते। इसके लिए इसके पोस्ट प्रोडक्शन में खास वक्त लग रहा है। फिल्म की एडिटिंग पूरी हो चुकी है। वॉर सीक्वेंस वाले सीन में हैवी VFX पर काम किया जाना बाकी है। बता दें कि 95% VFX का यूज किया जा रहा है फिल्म में। वेल, अगर ऐसा है तो फिल्म में सच में टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो VFX मैच करना वॉर सीक्वेंस के साथ, उनको एडिट करना बहुत लफड़े का काम होता है और अजय देवगन क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है वक्त लगेगा। बट हमें इंतजार है कि फिल्म जल्द से जल्द ईद पे रिलीज हो और हम इसका मजा ले पाए। हम भी तो देखें कि 35 करोड़ रुपए वाले VFX वर्क कैसा होता है और कैसे होते हैं 20 करोड़ रुपए वाले एक्शन सीक्वेंसेस। वेल, आपको क्या लगता है कितना एक्साइटिंग होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अजय देवगन और संजय दत्त स्टार और फिल्म भुज दी प्राइड ऑफ इंडिया का भी हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ जिसे दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला। आज फिल्म का दूसरा ट्रेलर रिलीज हुआ। इस ट्रेलर में एक जबरदस्त वॉर सीन्स के साथ साथ देशभक्ति में डूबे अजय देवगन के डायलॉग शानदार हैं, जिसमें वो कह रहे हैं, तू हमारी औकात का अंदाजा क्या लगाएगा, हम उस मां छत्रपति शिवाजी महाराज की औलाद हैं जिन्होंने मुगलों को घुटने पे ला दिया था और अपने खून से हिंदुस्तान का इतिहास लिखा था। दोस्तों, देखा जाए तो स्वतंत्रता दिवस वाले वीकेंड को अजय देवगन की फिल्म भुज दी प्राइड ऑफ इंडिया से रंगने की तैयारी है। ये फिल्म 13 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है। फिल्म का दूसरा ट्रेलर काफी मजेदार है और पहले ट्रेलर से काफी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, फिल्म में 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध की एक घटना दिखाया गया है। बात करें पहले ट्रेलर की तो फिल्म के ट्रेलर में अजय देवगन का अंदाज लोगों का दिल जीत रहा था। अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा की आने वाली फिल्म भुज दी प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। फैंस को इस फिल्म के ट्रेलर का काफी बेसब्री से इंतजार था। ट्रेलर में देशभक्ति से भरे डायलॉग्स की भरमार दिख रही है। वहीं फिल्म के जबरदस्त एक्शन और फाइटर प्लेन के सीन्स रोमांचक पैदा कर देते हैं। अजय के फैंस को उनकी फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद आया। भुज का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर अजय की इस फिल्म की चर्चा तेजी से होने लगी। ट्विटर पर भुज दी प्राइड ऑफ इंडिया ट्रेंड करने लगा। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो अजय देवगन की ये तीसरी फिल्म अगस्त 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है।
दोस्तों दोनों ही ट्रेलर को, चाहे वो फिल्म का पहला ट्रेलर हो या फिर दूसरा, दोनों ट्रेलर्स को सोशल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अजय देवगन के फैंस दोनों ट्रेलर को बहुत पसंद कर रहे हैं और उनकी उम्मीद इस फिल्म से अब कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। वेल, क्या आपने ट्रेलर देखा? नहीं देखा तो जाकर देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियो। क्यों किया लोगों ने शुक्रिया भुज की टीम का? भुज का कौन सा गाना है पाकिस्तानी गाने का रीमेक? भुज के कौन से गाने में देखा जाएगा संजय दत्त को? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया होने वाली है रिलीज अगस्त के महीने में और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इस फिल्म के प्रोमो सभी के होश उड़ा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो इस फिल्म को और भी ज्यादा लाजवाब बनाती है। इस फिल्म की शूटिंग को लेकर लोग थे बड़े उत्सुक, तो आइए जानते हैं भुज की कौन सी शूटिंग से जुड़ी बात इस फिल्म को दिलचस्प बना रही है। इस अपकमिंग फिल्म की शूटिंग गुजरात में हुई थी और कुछ क्रिटिकल शॉट्स बारिश के दिनों में मांडवी एयरपोर्ट पर लिए गए थे, जो कि मांडवी एयरपोर्ट के एरिया में 4 साल से बारिश नहीं हुई थी। इसी वजह से फिल्म मेकर्स इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे। इस सीन के लिए बारिश का होना बेहद जरूरी था, इसीलिए बिना किसी रुकावट के उन्होंने इस सीन की शूटिंग जल्द ही खत्म भी कर दी। लेकिन ये बारिश भी कुछ ही दिनों में रुक गई। दोस्तों आपको बता दूं, इस एरिया के लोग भुज को अपना लकी चार्म मानते हैं। 4 साल बाद इस बारिश के आने से वो सब इतने खुश हुए कि वो मनाने लगे भुज की शूटिंग का जश्न। उन्होंने तो भुज के सेट पर आकर अजय देवगन और फिल्म के बाकी सारे लोगों को शुक्रिया भी कहा। इतना ही नहीं दोस्तों, फिल्म का पहला गाना दर्शकों के बीच हिट भी हुआ है और उसके बाद रिलीज हुआ फिल्म का दूसरा गाना जिसमें नौरा फतेही डांस करते हुए नजर आ रही हैं। जी हां, बात करें जालिमा कोका कोला की, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि जिस पाकिस्तान से जंग दिखाया गया है, उसी पाकिस्तान का एक गाना भी फिल्म में इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, नौरा फतेही का डांस नंबर जो है जालिमा कोका कोला, ये ओरिजिनली एक पाकिस्तानी गाना है। 1986 में पाकिस्तान के मशहूर कलाकार नूर जहान के आवाज में जालिमा कोका कोला पहली बार सुना गया था और पाकिस्तानी आर्टिस्ट मिशा सैफी और उमर जायसवाल के द्वारा 2016 में इस गाने को फिर से गाया गया था। और अब मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना गूंज रहा है बॉलीवुड में। जी हाँ, YouTube पर अभी तक इस गाने को कई मिलियंस में व्यूज मिल चुके हैं। ये पहली बार नहीं है कि किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के गाने को बॉलीवुड में रीमेक के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो। आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन की डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी हमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट नाजिया हसन का गाना डिस्को दीवाने का रीमेक देखने और सुनने को मिला था। इस फिल्म का तीसरा गाना भी हो गया है रिलीज, जिसमें देखे जाएंगे संजय दत्त। इस गाने का नाम है भाई भाई। ये गाना गाया है मिक्का सिंह ने और इसे कंपोज किया है लीजो जॉर्ज और डीजे चीताज ने, और इस गाने के लिरिक्स का श्रेय जाता है मनोज मुस्ताशिर को। जी हाँ दोस्तों, संजय दत्त के जन्मदिन के मौके पर इस गाने को रिलीज किया और साथ ही KGF 2 ने भी संजय दत्त के लिए एक खास प्रिपरेशन किया है। जी हाँ, KGF 2 ने मूवी से जुड़ा एक पोस्टर जिसमें संजय दत्त का कैरेक्टर अधीरा खुलकर सामने आ रहा है, उसे भी रिवील किया है संजू बाबा के जन्मदिन के मौके पर ही। तो दोस्तों, क्या आप सभी तैयार हैं भुज के लिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। कौन सा किरदार प्ले कर रही है सोनाक्षी सिन्हा? क्या नौरा बनी पाकिस्तानी डांसर? नमस्कार, मैं अपर्णा सिन्हा और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। मूवी का ट्रेलर 12 जुलाई को सामने आया था।
यह धमाकेदार ट्रेलर देखने के बाद कोई भी इसकी तारीफ के बिना नहीं रह पा रहा है। ट्रेलर की शुरुआत 1971 भुज गुजरात की डेट के साथ होती है, के बाद दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय एयरबस पर अचानक हमला कर देती, जिसके बाद भारतीय सेना भी इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देते दिखाई देगी। ट्रेलर में मिसाइल लॉन्च से लेकर वॉरशिप्स पर हमले और बहुत कुछ दिखाया गया है। इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, एमी विर्क, नोरा फतेही और शरद कैलकर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। इस मूवी में अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा का लुक तो पहले ही सामने आ चुका है। मूवी में सोनाक्षी सिन्हा सुंदरबेन जेठा मधा परिया के रोल में नजर आएंगी, जो एक जानबाज सामाजिक सेविका थी। उन्होंने 299 महिलाओं के साथ भारतीय सेना का साथ दिया था। महिलाओं की इस बहादुर फौज ने सेना के लिए रनवे तैयार किया था। बात करें सुपरस्टार अजय देवगन की, तो वे इसमें इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर विजय कार्निक का किरदार निभा रहे हैं। अभिषेक दुधिया की बतौर निर्देशक ये पहली मूवी है। वेल, अब बात करें अपनी ग्लैमरस अंदाज के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही की, तो इस मूवी में वो काफी अहम भूमिका निभाएंगी। बताया जा रहा है कि फिल्म में नोरा फतेही ने पाकिस्तान की एक डांसर का किरदार निभाया है, जो वास्तव में भारत की खुफिया एजेंसी के लिए काम करती है। नोरा का किरदार एक रॉ एजेंट का है, जो पाकिस्तान सेना की खुफिया जानकारी भारतीय सेना को भेजती हैं। अपने देश की रक्षा के लिए वह हर हद पार करने के लिए तैयार रहती हैं। भुज में जब पाकिस्तान में युद्ध छिड़ता है, तब वह हर पड़ाव को पार करते हुए दुश्मनों की गोलियों का सामना भी करती हैं। नोरा का डायलॉग लोगों को बेहद पसंद आया है, और उनका डायलॉग क्या है चलिए हम आपको बताते हैं। या खुदा, अपनी अदालत में मेरी एक जमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे हिंदुस्तान को सलामत रखना। जब नोरा ये डायलॉग बोलती है, तो ऐसा लगता है मानो कोई असली सिपाही बोल रहा है। नोरा ने अपने किरदार को बखूबी निभाते हुए उसे रियलिस्टिक बनाया है। नोरा ने साबित किया वह एक सरप्राइज पैकेज है, जिन्हें स्क्रीन पर देखना कभी घाटे का सौदा नहीं हो सकता। रिपोर्ट्स की माने तो लोगों का कहना है कि नोरा हिंदुस्तान के लिए बलिदान देंगी, लेकिन मानना पड़ेगा नोरा ने गजब की एक्टिंग की है। नोरा का यह किरदार आलिया भट्ट के राजी किरदार से मिलता जुलता है। हालांकि वास्तव में वह महिला कौन थी जिसका किरदार नोरा ने निभाया है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। वैसे तो नोरा कई मूवी में अभिनय कर चुकी है, भले ही उनके छोटे से रोल रहे हैं, लेकिन उन छोटे से रोल में भी नोरा ने कमाल की एक्टिंग की। मूवी बाटला हाउस की बात करें, तो इस मूवी में नोरा ने बहुत ही छोटा सा किरदार निभाया था, लेकिन वह छोटा सा रोल बहुत ही जानदार था। अब नोरा ने एक बार फिर से अपने अभिनय से अपने प्रशंसकों को हैरान कर दिया है। और तो और, भुज के ट्रेलर में नोरा का नॉन ग्लैमरस अंदाज को दर्शकों को काफी पसंद किया जा रहा है। अब बात करें कन्नड़ एक्ट्रेस प्रणीता सुभाष की, तो वो भी भुज में नजर आने वाली है। आपको बता दें, प्रणीता भुज के साथ साथ हंगामा 2 में भी नजर आने वाली है। हंगामा 2 जो इससे बिल्कुल अलग है और लाइट कॉमेडी मूवी है। एक्ट्रेस प्रणीता सुभाष को अजय देवगन स्टार फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के लिए अप्रोच किया गया है। मूवी में वो डबल रोल में नजर आने वाली हैं। इस मूवी के लिए प्रणीता बाहुबली फेम एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी की तरह चैलेंजिंग किरदार निभाएंगी। अपनी अगली मूवी में प्रणीता जहां तक एक भूमिका में स्लिम गर्ल का किरदार निभाती दिखेंगी, तो वहीं दूसरे रोल में वे इससे अपोजिट यानी मोटी लड़की के रूप में दिखाई देंगी। बता दें कि बाहुबली में देवसेना का किरदार निभाकर जबरदस्त पॉपुलैरिटी बटोरने वाली अनुष्का शेट्टी भी अपने एक मूवी के लिए ऐसी मेहनत कर चुकी हैं, जिसमें उन्हें काफी वजन गेन करना पड़ा था। अनुष्का की गिनती उन सेलेब्स में की जाती है जो अपने लुक के लिहाज से खुद को बदल देते हैं और उसी किरदार में पूरी तरह से ढल जाते हैं। उन्हें फिल्म साइज जीरो के लिए करीब 20 किलो वजन बढ़ाया था और फिर दोबारा साइज जीरो होने के लिए कड़ी मेहनत की थी।
सुनने में आया है कि अब प्रणीता भी ऐसा ही कुछ करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रणीता ने अजय देवगन स्टार खुश द प्राइड ऑफ इंडिया के लिए भी वजन बढ़ाने का फैसला लिया है। प्रणीता अब अनुष्का शेट्टी के नक्शे कदम पर चलकर रोल में जान डालने की कोशिश में है। प्रणीता ने मूवी को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं हमेशा से ऐसी फिल्में करना चाहती थी जो देशभक्ति और हार्ड हिटिंग हो। उरी और राजी जैसी देशभक्ति की फिल्में देखकर हर कोई उसका हिस्सा बनना चाहता है। अब यूजर्स रियल घटनाओं या रियल लोगों की कहानियां देखना पसंद करते हैं। प्रणीता ने बताया वो सबसे अच्छा अनुभव था जब टीम ने स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक और उनकी पत्नी मिशा से सेट पर मुलाकात की और उनके एक्सपीरियंस पर बात की। उन्होंने उस समय के कुछ दिलचस्प किस्से बताए। प्रणीता ने भूज पर फिल्म बनाते हुए डायरेक्टर और पूरी टीम जो सावधानी बरत रही है उनके बारे में बात की। उन्होंने कहा ये जरूरी है ताकि मूवी में तथ्यों के साथ गलत ना हो। प्रणीता ने कहा भूज आम मसाला फिल्मों की तरह नहीं है जहां हीरो एक सैनिक है लेकिन अचानक स्विट्जरलैंड में गाना गाने लगता है। प्रणीता का सपना है कि उन्हें एक बार SS राजमौली के साथ काम करने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि प्रभास और राजा मौली के साथ काम करना उनका सबसे बड़ा सपना है। यह मूवी स्वतंत्र दिवस के वीकेंड यानी 13 अगस्त को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। हालांकि मूवी में उनकी भूमिका दर्शकों को कितनी इम्प्रेसिव लगेगी ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब देखना यह है कि देश प्रेम से बनी यह मूवी हिट साबित होती है या नहीं और आप सभी भूज में अपने फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो रोंगटे कैसे खड़े हो जाएंगे, नोरा फतेही का किरदार आपके दिल में कैसे छा जाएगा, क्या होने वाली है इस फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जाट। दोस्तों, अजय देवगन की भूज द प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर फाइनली रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के डायलॉग्स और सभी कलाकारों की चर्चा हो रही है। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ संजय दत्त, शरद केलकर, सोनाक्षी सिन्हा और नोरा फतेही जैसे कलाकार हैं। लेकिन अचानक लाइमलाइट में आ रहा है नोरा फतेही का नाम, क्योंकि नोरा को इससे पहले ऐसे किरदार में कभी नहीं देखा गया होगा। नोरा फतेही की ट्रेलर में पहली झलक ये साफ बता रही है कि वो केवल एक डांसर के तौर पर नहीं बल्कि फिल्म में एक्शन और देशभक्ति के रंग में रंगी हुई नजर आने वाली है। भूज द प्राइड ऑफ इंडिया के सभी देशभक्ति जज्बा वाले डायलॉग्स के बीच नोरा फतेही की आवाज में मैं रहूं या ना रहूं हिंदुस्तान रहेगा ये छाया हुआ है। नोरा फतेही ने अपनी इंस्टा स्टोरी में ट्रेलर को साझा किया है जो ये बताता है कि नोरा भी भूज के कलाकारों की फौज में एक दमदार एक्ट्रेस के तौर पर उभर कर आई है और सभी नोरा की बहुत ज्यादा तारीफें भी कर रहे हैं। भूज की कहानी 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुई एक सच्ची और साहसिक घटना से प्रेरित है। स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक की भूमिका में अजय देवगन है। नोरा फतेही ने इस फिल्म में भारतीय जासूस की भूमिका निभाई है जहां वो पहली दफा स्क्रीन पर खतरनाक एक्शन करते हुए भी नजर आएंगी। मतलब उसमें नोरा फतेही इससे पहले अपनी एक्टिंग की झलक दिखा चुकी है जिसकी तारीफें भी हुई थी। इसके बाद नोरा को अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने का मौका मिला है भूज में। ट्रेलर के सामने आते ही नोरा ने अपनी झलक फैंस को इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर की है जो कि फैंस को हैरान करने वाली है। यहां पर इस सीन के साथ नोरा जय हिंद बोलते हुए नजर आ रही है। नोरा फतेही ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने फिल्म में ऐसा किरदार निभाया है जिसे देखने के बाद लोगों को, दर्शकों को मुझ पर गर्व महसूस होगा। इस ट्रेलर को देखने पर नोरा फतेही के 3 डायलॉग शामिल किए गए हैं जहां वो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए सिपाही के तौर पर पूरी तरह से तैयार है। नोरा फतेही की ट्रेलर में झलक फैंस को दीवाना बना रही है। उसके अलावा जितने भी किरदार है संजू बाबा और सोनाक्षी सिन्हा, अजय देवगन ये तो छाए हुए हैं। साथ ही शरद केलकर की जो दमदार आवाज है वो हमेशा से लोगों को दीवाना बनाती रही है तो इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें इसे OTT पर रिलीज किया जाएगा लेकिन ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि काश ये बड़े पर्दे पर होती तो और भी ज्यादा मजा आता। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं इस फिल्म का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह तो दोस्तों, भूज द प्राइड ऑफ इंडिया में जाने कौन कौन लेगा अहम हिस्सा, किसकी कहानी पर आधारित है फिल्म भूज,
कौन थे विजय कार्तिक। एक के बाद एक हिट पिक्चर्स देने के बाद एक बार फिर आ चुके हैं एक्टर अजय देवगन अपने नए प्रोजेक्ट के साथ। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी और मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए टी सीरीज के प्रोडक्शन हाउस में तैयार हुई फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक द्विवेदिया हैं और प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, गिनी खनूजा, कृष्ण कुमार के संग कई अन्य प्रोड्यूसर्स ने अंडर द बैनर टी सीरीज सिलेक्ट मीडिया होल्डिंग्स LLP। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2019 में शुरू हो गई थी जिसमें कई सिटीज शामिल थी जैसे हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, इंदौर, भोपाल व दुबई। पर फिर मार्च 2020 से ये तो शूटिंग व प्रोडक्शन का सारा काम मानो थम ही गया था। सही बात है और कर भी क्या सकते थे मेकर्स, इस कोरोना वायरस ने तो सबके हाथ पांव जो बांध दिए थे। पर दोस्तों ये तो अच्छा हुआ था कि फिल्म 90% तक कंप्लीट हो चुकी थी। हालांकि पोस्ट प्रोडक्शन का काम रुक जाने के कारण फिल्म की रिलीज में देरी आ गई थी, पर वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। मार्च 2021 में फिल्म को फाइनल रैपअप दिया गया। अजय ने आखिरी शूटिंग हैदराबाद में की। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में नजर आने वाले। इनके अलावा फेमस एक्टर सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, नोरा फतेही व महेश शेट्टी भी हैं। अजय भुज में स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्तिक के किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों बता दूं कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित एक वॉर एक्शन मूवी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की हीरोइन प्रणीता सुभाषिन फिल्म से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाली हैं। खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि फिल्म में और भी कई सितारे मौजूद होंगे। ये तो सुनकर ही एक्साइटमेंट होने लगी, आखिर इतने सारे एक्टर जिस फिल्म में होंगे, फिल्म तो बेशक लाजवाब ही होगी। दोस्तों खबरों की माने तो फिल्म 14 अगस्त 2020 को थिएटर्स में आने वाली थी, पर वो कोविड-19 की वजह से इस फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाते हुए उसकी फाइनल डेट 29 जून 2021 को रखी गई थी। वैसे तो सिचुएशन ठीक होने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं कोरोना के सेकेंड वेव को देखते हुए। मेकर्स का फाइनल डिसीजन ये है कि वो इस फिल्म को थिएटर में नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे। तो दोस्तों हम अपने प्यारी जनता को ये बताना चाहेंगे कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आएगी उनके फेवरेट एक्टर अजय देवगन की मूवी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। फिल्म के सॉन्ग को लेकर कहा जा रहा है कि फैंस को इस फिल्म के सॉन्ग जरूर पसंद आएंगे। म्यूजिक दिया है विशाल शेखर। अजी इस जोड़ी का तो नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि गाने तो वाकई लाजवाब होंगे। इसके पूर्व बाटला हाउस, बचना है हसीनो, हैप्पी न्यू ईयर व ओम शांति ओम जैसी फिल्मों के भी सुपरहिट गाने गाए हैं। हाल ही में अजय ने ताना जी से ढेर सारी कमाई की थी, उसके बाद ये नया प्रोजेक्ट लेकर उतर रहे हैं OTT पर। फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटना पर आधारित है। हमारी सेना के शौर्य की न जाने कितनी अनसुनी कहानियां, कितने ऐसे हीरो हैं जिनके बारे में हम कम ही जानते हैं। अब दोस्तों फिल्म के ही बहाने हमें ये पता तो चलेगा कि किस तरह सेना के जवानों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने भुज यानी कि गुजरात के मधापुर इलाके में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्रिप को तहस नहस कर दिया था। स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्तिक ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए वहां रहने वाली 300 महिलाओं के साथ मुश्किलों से जूझते हुए एयर स्ट्रिप को वापस तैयार किया जिसमें प्लेन में सवार सेना के जवान सुरक्षित लैंड हो सके। विजय कार्तिक ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। हौसले और जज्बे की इसी ट्रू स्टोरी को डायरेक्ट अभिषेक भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में एक बार फिर जिंदा करने जा रहे हैं। अभिषेक की ये न्यू प्रोजेक्ट होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, अजय के अलावा उनके ऑपोजिट होंगी सोनाक्षी सिन्हा जो सुंदर बेन जेठा मधा परिया के रोल में है, जिन्होंने वहां की औरतों के साथ वॉर सिचुएशन में एयरफोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एयर स्ट्रिप बनाने का काम किया था। फिल्म की बेहतरीन कहानी सुनने के बाद जब पता चलता है कि इतने सारे होनहार एक्टर फिल्म का अहम हिस्सा लेने वाले हैं, एक्साइटमेंट तो डबल ट्रिपल होने लगती है। जानना बहुत खास होगा कि फिल्म में और कितने रोमांचक सीन्स होंगे। बाकी की कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। अजय देवगन इज बैक विथ हिज ऑफिसर लुक। इस बार हमारे लिए कुछ अलग लेकर आ रहे हैं। अजय देवगन एक ऐसे एक्टर है जिन्हें किसी भी किरदार में डालो वो छा ही जाते हैं। चाहे वो गुस्से में उंगली तोड़ने वाला गोलमाल का कॉमेडी कैरेक्टर हो या फिर सिंघम का चार्मिंग डिसिप्लिन्ड इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम हो, दर्शक उन्हें सारे रोल्स में पसंद करते हैं। उनके आज तक के सबसे सराहना मिलने वाले रोल्स में से कुछ थे बाजीराव सिंघम का रोल और रेड में उन्होंने निभाया हुआ ऑफिसर और साथ ही साथ दृश्यम में चालबाज पिता का उनका सीरियस वाला रोल, जिसका मतलब ये है कि उनको उनके कॉमेडी किरदारों से ज्यादा स्ट्रिक्ट और सीरियस रोल्स में दर्शक ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही एक सीरियस ऑफिसर का रोल निभाते हुए अजय देवगन हमें फिर से दिखाई देने वाले हैं।
मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड में नई आने वाली फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया इस फिल्म के बारे में। आज के वीडियो में नजर डालते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में और अजय देवगन का इसमें कौन सा किरदार है इसके बारे में जानने के लिए। कई फिल्मों में सख्त पुलिस वाला किरदार निभाने के बाद अजय देवगन अब भारतीय वायु सेना के सदस्य के रूप में दिखाई देंगे। वह भुज द प्राइड ऑफ इंडिया नामक इस फिल्म में IAF विंग कमांडर विजय करनी की भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभिषेक दुधैया द्वारा लिखित और निर्देशित ये फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। निर्माताओं के अनुसार स्क्वाड्रन लीडर विजय करनी 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज थे। ये कर्मी और उनकी टीम थी जिन्होंने स्थानीय महिलाओं की मदद से गुजरात के भुज में नष्ट हुई भारतीय वायु सेना की हवाई पट्टी का पुनर्निर्माण किया, जिसे भारत का पर्ल हार्बर क्षण कहा जा सकता है। इस इंसिडेंट में हवाई हमले किए गए थे जिसमें पाकिस्तान ने उस पर बम गिराए थे। कर्निक ने आसपास के एक गांव की 300 निडर महिलाओं को हवाई पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए राजी किया था ताकि भारतीय सेना के अधिकारियों को ले जाने वाली एक उड़ान सुरक्षित रूप से उतर सके। उसने दो अन्य अधिकारियों, 50 वायु सेना के सैनिकों और 60 रक्षा सुरक्षा कर्मियों के साथ भारी पाकिस्तानी बमबारी के बावजूद एयरबेस को चालू रखने का शानदार काम किया था। फिल्म के बारे में बात करते हुए भूषण कुमार, जो फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, ने कहा, इस साहसी कहानी को बताने की आवश्यकता है क्योंकि हम चाहते हैं कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को इस बहादुर सैनिक स्क्वाड्रन लीडर विजय करनी के बारे में पता चले, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1971 की लड़ाई में भारत को जिता दिया। वह एक युद्ध में नागरिकों को शामिल करने के इस साहसिक कदम को उठाने के लिए पर्याप्त रूप से वीर थे। इसके अलावा विजय करनी की भूमिका के लिए अजय देवगन से बेहतर कौन हो सकता है भला। और इस तरह से इस साहसिक कहानी को हमारे सामने अजय देवगन जल्द ही लेकर आने वाले हैं। ये फिल्म 15 अगस्त 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। इसमें हमें अजय देवगन के साथ संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, परिणीति चोपड़ा, शरद केलकर प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अजय देवगन की अब तक की कौन सी मूवी आपकी सबसे फेवरेट है। और जाते जाते वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ। कौन है वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो दिखेंगे भुज में? क्यों डिले हुआ नौरा फतेही का डांस नंबर? कितना खर्चा करना पड़ा भुज के एक्शन सीक्वेंस के लिए? भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के लिए तैयार है सभी? ये फिल्म होने वाली है 13 अगस्त को रिलीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। भुज दर्शाएगी एक ऐसी कहानी जो देखकर आपको यह महसूस होगा कि अगर सही इरादा होता है तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। भुज की स्टोरी बेस्ड है इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक के ऊपर, जिन्होंने 300 औरतों के साथ एक पूरा IAF एयर का बेस रिबिल्ट किया था। ये सारी औरतें आसपास के गांव से आई थी इंडियन एयरफोर्स की मदद करने। रिसेंटली रिलीज हुई है फिल्म का पहला गाना हंजंगम, जो ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है क्योंकि सॉन्ग में अजय देवगन और प्रणीता शिपास की केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत लग रही है। और इसी बीच होने वाला है रिलीज भुज का दूसरा गाना नौरा फतेही का डांस सॉन्ग जालिमा कोका कोला, जो टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो सॉन्ग अब 28 जुलाई को रिलीज होने वाली है। जनरली नौरा फतेही को डांस नंबर में फीचर होते हुए देखा जाता है, लेकिन इस बार वो स्टार कास्ट में भी इंक्लूडेड है। इसी वजह से नौरा बन गई है इस फिल्म का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि लोग हैं काफी क्यूरियस ये जानने के लिए कि नौरा अपने पार्ट को किस तरह निभाएगी। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, नौरा के अलावा इस मूवी में काम करने वाले हैं अनिरुद्ध सिंह, जो रियल लाइफ में भी एक पुलिस ऑफिसर है। 41 ईयर्स ओल्ड अनिरुद्ध फिलहाल यूपी के बदायूं जिले में तैनात है और यूपी के टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट
लिस्ट में से एक है। फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक ने कहा कि असल जिंदगी में पुलिस की डेडिकेशन को देखने के लिए अनिरुद्ध को इस फिल्म में लिया गया। अनिरुद्ध ने ड्यूटी पर जाने का फैसला लिया था, नहीं तो उनका रोल और भी ज्यादा होता। फिल्म के डायरेक्टर एक के मुताबिक अनिरुद्ध भले ही शूटिंग पर थे लेकिन कॉन्स्टेंटली अपने को वर्कर्स के साथ टच में रहे। इस फिल्म में हर एक एक्शन सीक्वेंस अपने आप में ही काफी बड़ी चीज थी। इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स के अलावा बहुत टफ बैटल सीन्स भी है और मेकर्स का ये दावा है कि इस वजह से फिल्म में यूज किया गया है VFX जो इंडिया में पहले कभी नहीं देखा गया। इस फिल्म में 100 kg लाल मिर्ची से लेकर 100,000 और 200,000 लोगों का भी इस्तेमाल किया गया है और इस फिल्म में हाइड्रोक्रोलिक पंप का भी यूज किया गया है जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इन एक्शन सीक्वेंस के लिए भी भुज का बजट काफी बढ़ गया था और प्रोडक्शन हाउस को हर दिन 50 लाख खर्च करना पड़ा। अब बस ये देखना है कि ये क्या ये खर्चे रंग लाते हैं या नहीं। इस फिल्म में अजय देवगन, नौरा फतेही, प्रणीता सुभाष के अलावा है एमी विकार, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, शरद केलकर और एलान ढिलोनी जैसे एक्टर्स। तो क्या आप है तैयार भुज के लिए? हमें बताइए जरूर और इसी फिल्मी दुनिया की खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियो। दोस्तों, अजय देवगन स्टारर फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया इसी साल 15 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। रिपोर्ट्स में ये दावा फिल्म से जुड़े करीबी रिपोर्ट्स ने किया है। कहा जा रहा है कि मेकर्स को फिल्म के लिए ये समय सबसे बेहतर लग रहा है। उन्हें लगता है कि देशभक्ति की थीम और अजय देवगन की मौजूदगी की वजह से ये फिल्म स्ट्रीमिंग का एक नया रिकॉर्ड बना सकती है। अभिषेक दुधिया ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, शरद केलकर और एमी विक भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त की है। इसमें बताया गया कि कैसे उस वक्त गुजरात के एक गांव की 300 महिलाओं ने बमबारी में तबाह हुए एयरबेस को फिर से बनाने में भारतीय यानी कि इंडियन वायुसेना की मदद की थी। और वो जो एक्शन सीन है उसको डिजाइन किया गया है काफी महंगे दामों में। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म को लेकर काफी डिले हो रही है और ये फिल्म से जुड़े ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक सामने आई है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म को IPL के दौरान ही OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज करना था। इसके लिए हॉटस्टार ने अजय के साथ एक ऐड भी बनवाया था। यह ऐड तो इन दिनों मैच के दौरान प्रसारित हो रहा है मगर फिल्म भुज अब तक पूरी भी नहीं हो पाई। इन दिनों फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन काम जारी है। ऐसे में अब हॉटस्टार फिल्म को ईद पर लाने की तैयारी कर रहा है। भुज को ईद पर लाने की वजह यह भी है कि फेस्टिवल पर अब राधे या सत्यमेव जयते 2 सिनेमा घरों में नहीं आ रही हैं। ऐसे में मेकर्स इस फिल्म के जरिए ऑडियंस को एक बड़ी फिल्म की सौगात देना चाहते हैं। OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार का यह भी मानना है कि इस ईद जैसे बड़े मौके पर जब सलमान खान की फिल्म रुक रही है तो अजय देवगन, संजय दत्त और सोनाक्षी जैसी बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म लोगों को लुभाने में कामयाब हो सकती है। बता दें कि फिल्म में नोरा फतेही और शरद केलकर जैसे भी एक्टर्स नजर आएंगे। फिल्म का 70% हिस्सा एक्शन सीक्वेंस से भरा पड़ा है। इन सीन्स को कोरियोग्राफ करने के लिए बाहुबली फिल्म एक्शन डायरेक्टर पीटर हैंस को हायर किया गया था। एक्शन सीक्वेंस को फिल्माने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसकी लागत ही 10 करोड़ के आसपास है। फिल्म में असली टैंक यूज हुए हैं। उन्हें उड़ाने के लिए प्रोटोटाइप टैंक भी बनाए गए जिनकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए है। कुल मिलाकर एक्शन सीक्वेंस में ही 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब इस पर 35 करोड़ का VFX वर्क हो रहा है। इन दिनों फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफी तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि इस फिल्म से रिलेटेड अजय देवगन इसकी क्वालिटी के साथ किसी भी तरह से समझौता नहीं करना चाहते। इसके लिए इसके पोस्ट प्रोडक्शन में खास वक्त लग रहा है। फिल्म की एडिटिंग पूरी हो चुकी है। वॉर सीक्वेंस वाले सीन में हैवी VFX पर काम किया जाना बाकी है। बता दें कि 95% VFX का यूज किया जा रहा है फिल्म में। वेल, अगर ऐसा है तो फिल्म में सच में टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो VFX मैच करना वॉर सीक्वेंस के साथ, उनको एडिट करना बहुत लफड़े का काम होता है और अजय देवगन क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है वक्त लगेगा। बट हमें इंतजार है कि फिल्म जल्द से जल्द ईद पर रिलीज हो और हम इसका मजा ले पाए। हम भी तो देखें कि 35 करोड़ रुपए वाले VFX वर्क कैसा होता है और कैसे होते हैं 20 करोड़ रुपए वाले एक्शन सीक्वेंसेस। वेल, आपको क्या लगता है कितना एक्साइटिंग होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अजय देवगन और संजय दत्त स्टार और फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का अभी हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ,
जिसे दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आज फिल्म का दूसरा ट्रेलर रिलीज हुआ। इस ट्रेलर में एक जबरदस्त वॉर सीन्स के साथ साथ देशभक्ति में डूबे अजय देवगन के डायलॉग शानदार हैं, जिसमें वो कह रहे हैं, तू हमारी औकात का अंदाजा क्या लगाएगा, हम उस मां छत्रपति शिवाजी महाराज की औलाद हैं जिन्होंने मुगलों को घुटने पे ला दिया था और अपने खून से हिंदुस्तान का इतिहास लिखा था। दोस्तों देखा जाए तो स्वतंत्रता दिवस वाले वीकेंड को अजय देवगन की फिल्म हुज द प्राइड ऑफ इंडिया से रंगने की तैयारी है। ये फिल्म 13 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है। फिल्म का दूसरा ट्रेलर काफी मजेदार है और पहले ट्रेलर से काफी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों फिल्म में 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध की एक घटना दिखाया गया है। बात करें पहले ट्रेलर की तो फिल्म के ट्रेलर में अजय देवगन का अंदाज लोगों का दिल जीत रहा था। अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा की आने वाली फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। फैंस को इस फिल्म के ट्रेलर का काफी बेसब्री से इंतजार था। ट्रेलर में देशभक्ति से भरे डायलॉग्स की भरमार दिख रही है, वहीं फिल्म के जबरदस्त एक्शन और फाइटर प्लेन के सीन्स रोमांचक पैदा कर देते हैं। अजय के फैंस को उनकी फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद आया। भुज का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर अजय की इस फिल्म की चर्चा तेजी से होने लगी। ट्विटर पर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया ट्रेंड करने लगा। वैसे दोस्तों देखा जाए तो अजय देवगन की ये तीसरी फिल्म अगस्त 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है। दोस्तों दोनों ही ट्रेलर को, चाहे वो फिल्म का पहला ट्रेलर हो या फिर दूसरा, दोनों ट्रेलर्स को सोशल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। अजय देवगन के फैंस दोनों ट्रेलर को बहुत पसंद कर रहे हैं और उनकी उम्मीद इस फिल्म से अब कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। वेल, क्या आपने ट्रेलर देखा? नहीं देखा तो जाकर देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियो। क्यों किया लोगों ने शुक्रिया भुज की टीम का? भुज का कौन सा गाना है पाकिस्तानी गाने का रीमेक? भुज के कौन से गाने में देखा जाएगा संजय दत्त को? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया होने वाली है रिलीज अगस्त के महीने में और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इस फिल्म के प्रोमो सभी के होश उड़ा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो इस फिल्म को और भी ज्यादा लाजवाब बनाती है। इस फिल्म की शूटिंग को लेकर लोग थे बड़े उत्सुक, तो आइए जानते हैं भुज की कौन सी शूटिंग से जुड़ी बात इस फिल्म को दिलचस्प बना रही है। इस अपकमिंग फिल्म की शूटिंग गुजरात में हुई थी और कुछ क्रिटिकल शॉट्स बारिश के दिनों में मांडवी एयरपोर्ट पर लिए गए थे, जो कि मांडवी एयरपोर्ट के एरिया में 4 साल से बारिश नहीं हुई थी। इसी वजह से फिल्म मेकर्स इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे। इस सीन के लिए बारिश का होना बेहद जरूरी था, इसीलिए बिना किसी रुकावट के उन्होंने इस सीन की शूटिंग जल्द ही खत्म भी कर दी। लेकिन ये बारिश भी कुछ ही दिनों में रुक गई। दोस्तों आपको बता दूं, इस एरिया के लोग भुज को अपना लकी चार्म मानते हैं। 4 साल बाद इस बारिश के आने से वो सब इतने खुश हुए कि वो मनाने लगे भुज की शूटिंग का जश्न। उन्होंने तो भुज के सेट पर आकर अजय देवगन और फिल्म के बाकी सारे लोगों को शुक्रिया भी कहा। इतना ही नहीं दोस्तों, फिल्म का पहला गाना दर्शकों के बीच हिट भी हुआ है और उसके बाद रिलीज हुआ फिल्म का दूसरा गाना जिसमें नौरा फतेही डांस करते हुए नजर आ रही हैं। जी हां, बात करें जालिमा कोका कोला की, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि जिस पाकिस्तान से जंग दिखाया गया है उसी पाकिस्तान का एक गाना भी फिल्म में इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, नौरा फतेही का डांस नंबर जो है जालिमा कोका कोला, ये ओरिजिनली एक पाकिस्तानी गाना है। 1986 में पाकिस्तान के मशहूर कलाकार नूर जहान के आवाज में जालिमा कोका कोला पहली बार सुना गया था और पाकिस्तानी आर्टिस्ट मिशा सैफी और उमर जायसवाल के द्वारा 2016 में इस गाने को फिर से गाया गया था। और अब मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना गूंज रहा है बॉलीवुड में। जी हाँ, यूट्यूब पर अभी तक इस गाने को कई मिलियंस में व्यूज मिल चुके हैं। ये पहली बार नहीं है कि किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के गाने को बॉलीवुड में रीमेक के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो।
आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन की डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी हमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट नाजिया हसन का गाना डिस्को दीवाने का रीमेक देखने और सुनने को मिला था। इस फिल्म का तीसरा गाना भी हो गया है रिलीज, जिसमें देखे जाएंगे संजय दत्त। इस गाने का नाम है भाई भाई। ये गाना गाया है मिक्का सिंह ने और इसे कंपोज किया है लीजो जॉर्ज और डीजे चीताज ने, और इस गाने के लिरिक्स का श्रेय जाता है मनोज मुस्ताशिर को। जी हाँ दोस्तों, संजय दत्त के जन्मदिन के मौके पर इस गाने को रिलीज किया और साथ ही KGF 2 ने भी संजय दत्त के लिए एक खास प्रिपरेशन किया है। जी हाँ, KGF 2 ने मूवी से जुड़ा एक पोस्टर जिसमें संजय दत्त का कैरेक्टर अधीरा खुलकर सामने आ रहा है, उसे भी रिवील किया है संजू बाबा के जन्मदिन के मौके पर ही। तो दोस्तों, क्या आप सभी तैयार हैं भुज के लिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। कौन सा किरदार प्ले कर रही है सोनाक्षी सिन्हा? क्या नौरा बनी पाकिस्तानी डांसर? नमस्कार, मैं अपर्णा सिन्हा और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। मूवी का ट्रेलर 12 जुलाई को सामने आया था। यह धमाकेदार ट्रेलर देखने के बाद कोई भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा है। ट्रेलर की शुरुआत 1971 भूज गुजरात की डेट के साथ होती है, के बाद दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय एयरबेस पर अचानक हमला कर देती, जिसके बाद भारतीय सेना भी इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देते दिखाई देगी। ट्रेलर में मिसाइल लॉन्च से लेकर वॉरशिप्स पर हमले और बहुत कुछ दिखाया गया है। इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, एमी विर्क, नोरा फतेही और शरद कैलकर भी प्रमुख भूमिकाओं में है। इस मूवी में अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा का लुक तो पहले ही सामने आ चुका है। मूवी में सोनाक्षी सिन्हा सुंदरबेन जेठा मधा परिया के रोल में नजर आएंगी, जो एक जानबाज सामाजिक सेविका थी। उन्होंने 299 महिलाओं के साथ भारतीय सेना का साथ दिया था। महिलाओं की इस बहादुर फौज ने सेना के लिए रनवे तैयार किया था। बात करें सुपरस्टार अजय देवगन की, तो वे इसमें इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर विजय कार्निक का किरदार निभा रहे हैं। अभिषेक दूधिया की बतौर निर्देशक ये पहली मूवी है। वेल, अब बात करें अपनी ग्लैमरस अंदाज के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही की, तो इस मूवी में वो काफी अहम भूमिका निभाएंगी। बताया जा रहा है कि फिल्म में नोरा फतेही ने पाकिस्तान की एक डांसर का किरदार निभाया है, जो वास्तव में भारत की खुफिया एजेंसी के लिए काम करती है। नोरा का किरदार एक रॉ एजेंट का है, जो पाकिस्तान सेना की खुफिया जानकारी भारतीय सेना को भेजती हैं। अपने देश की रक्षा के लिए वह हर हद पार करने के लिए तैयार रहती हैं। भूज में जब पाकिस्तान में युद्ध छिड़ता है, तब वह हर पड़ाव को पार करते हुए दुश्मनों की गोलियों का सामना भी करती हैं। नोरा का डायलॉग लोगों को बेहद पसंद आया है, और उनका डायलॉग क्या है चलिए हम आपको बताते हैं। या खुदा, अपनी अदालत में मेरी एक जमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे हिंदुस्तान को सलामत रखना। जब नोरा ये डायलॉग बोलती है तो ऐसा लगता है मानो कोई असली सिपाही बोल रहा है। नोरा ने अपने किरदार को बखूबी निभाते हुए उसे रियलिस्टिक बनाया है। नोरा ने साबित किया वह एक सरप्राइज पैकेज है, जिन्हें स्क्रीन पर देखना कभी घाटे का सौदा नहीं हो सकता। रिपोर्ट्स की माने तो लोगों का कहना है कि नोरा हिंदुस्तान के लिए बलिदान देंगी, लेकिन मानना पड़ेगा नोरा ने गजब की एक्टिंग की है। नोरा का यह किरदार आलिया भट्ट के राजी किरदार से मिलता जुलता है। हालांकि वास्तव में वह महिला कौन थी जिसका किरदार नोरा ने निभाया है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। वैसे तो नोरा कई मूवी में अभिनय कर चुकी हैं, भले ही उनके छोटे से रोल रहे हैं, लेकिन उन छोटे से रोल में भी नोरा ने कमाल की एक्टिंग की। मूवी बाटला हाउस की बात करें तो इस मूवी में नोरा ने बहुत ही छोटा सा किरदार निभाया था।
लेकिन वह छोटा सा रोल बहुत ही जानदार था। अब नौरा ने एक बार फिर से अपने अभिनय से अपने प्रशंसकों को हैरान कर दिया है। और तो और भूज के ट्रेलर में नौरा का नॉन ग्लैमरस अंदाज तो दर्शकों को काफी पसंद किया जा रहा है। अब बात करें कन्नड़ एक्ट्रेस प्रणीता सुभाष की, तो वो भी भूज में नजर आने वाली है। आपको बता दें प्रणीता भूज के साथ साथ हंगामा 2 में भी नजर आने वाली है। हंगामा 2 जो इससे बिल्कुल अलग है और लाइट कॉमेडी मूवी है। एक्ट्रेस प्रणीता सुभाष को अजय देवगन स्टार फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया के लिए अप्रोच किया गया है। मूवी में वो डबल रोल में नजर आने वाली हैं। इस मूवी के लिए प्रणीता बाहुबली फीमेल एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी की तरह चैलेंजिंग किरदार निभाएंगी। अपनी अगली मूवी में प्रणीता जहां तक एक भूमिका में स्लिम गर्ल का किरदार निभाती दिखेंगी, तो वहीं दूसरे रोल में वे इससे अपोजिट यानी मोटी लड़की के रूप में दिखाई देंगी। बता दें कि बाहुबली में देवसेना का किरदार निभाकर जबरदस्त पॉपुलैरिटी बटोरने वाली अनुष्का शेट्टी भी अपने एक मूवी के लिए ऐसी मेहनत कर चुकी है जिसमें उन्हें काफी वजन गेन करना पड़ा था। अनुष्का की गिनती उन सेलेब्स में की जाती है जो अपने लुक के लिहाज से खुद को बदल देते हैं और उसी किरदार में पूरी तरह से ढल जाते हैं। उन्हें फिल्म साइज जीरो के लिए करीब 20 किलो वजन बढ़ाया था और फिर दोबारा साइज जीरो होने के लिए कड़ी मेहनत की थी। सुनने में आया है कि अब प्रणीता भी ऐसा ही कुछ करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रणीता ने अजय देवगन स्टार भूज द प्राइड ऑफ इंडिया के लिए भी वजन बढ़ाने का फैसला लिया है। प्रणीता अब अनुष्का शेट्टी के नक्शे कदम पर चलकर रोल में जान डालने की कोशिश में है। प्रणीता ने मूवी को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं हमेशा से ऐसी फिल्में करना चाहती थी जो देशभक्ति और हार्ड हिटिंग हो। उरी और राजी जैसी देशभक्ति की फिल्में देखकर हर कोई उसका हिस्सा बनना चाहता है। अब यूजर्स रियल घटनाओं या रियल लोगों की कहानियां देखना पसंद करते हैं। प्रणीता ने बताया वो सबसे अच्छा अनुभव था जब टीम ने स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक और उनकी पत्नी मिशा से सेट पर मुलाकात की और उनके एक्सपीरियंस पर बात की। उन्होंने उस समय के कुछ दिलचस्प किस्से बताए। प्रणीता ने भूज पर फिल्म बनाते हुए डायरेक्टर और पूरी टीम जो सावधानी बरत रही है उनके बारे में बात की। उन्होंने कहा ये जरूरी है ताकि मूवी में तथ्यों के साथ गलत ना हो। प्रणीता ने कहा भूज आम मसाला फिल्मों की तरह नहीं है जहां हीरो एक सैनिक है लेकिन अचानक स्विट्जरलैंड में गाना गाने लगता है। प्रणीता का सपना है कि उन्हें एक बार SS राजमौली के साथ काम करने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि प्रभास और राजा मौली के साथ काम करना उनका सबसे बड़ा सपना है। यह मूवी स्वतंत्र दिवस के वीकेंड यानी 13 अगस्त को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। हालांकि मूवी में उनकी भूमिका दर्शकों को कितनी इम्प्रेसिव लगेगी ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब देखना यह है कि देश प्रेम से बनी यह मूवी हिट साबित होती है या नहीं और आप सभी भूज में अपने फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो रोंगटे कैसे खड़े हो जाएंगे, नोरा फतेही का किरदार आपके दिल में कैसे छा जाएगा, क्या होने वाली है इस फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जाट। दोस्तों, अजय देवगन की भूज द प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर फाइनली रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के डायलॉग्स और सभी कलाकारों की चर्चा हो रही है। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ संजय दत्त, शरद केलकर, सोनाक्षी सिन्हा और नोरा फतेही जैसे कलाकार हैं। लेकिन अचानक लाइमलाइट में आ रहा है नोरा फतेही का नाम, क्योंकि नोरा को इससे पहले ऐसे किरदार में कभी नहीं देखा गया होगा। नोरा फतेही की ट्रेलर में पहली झलक ये साफ बता रही है कि वो केवल एक डांसर के तौर पर नहीं बल्कि फिल्म में एक्शन और देशभक्ति के रंग में रंगी हुई नजर आने वाली है। भूज द प्राइड ऑफ इंडिया के सभी देशभक्ति जज्बा वाले डायलॉग्स के बीच नोरा फतेही की आवाज में मैं रहूं या ना रहूं हिंदुस्तान रहेगा ये छाया हुआ है। नोरा फतेही ने अपनी इंस्टा स्टोरी में ट्रेलर को
साझा किया है जो ये बताता है कि नोरा भी भुज के कलाकारों की फौज में एक दमदार एक्ट्रेस के तौर पर उभर कर आई है और सभी नोरा की बहुत ज्यादा तारीफें भी कर रहे हैं। भुज की कहानी 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुई एक सच्ची और साहसिक घटना से प्रेरित है। स्क्वाड्रन लीडर विजय कांडे की भूमिका में अजय देवगन है। नोरा फतेही ने इस फिल्म में भारतीय जासूस की भूमिका निभाई है जहां वो पहली दफा स्क्रीन पर खतरनाक एक्शन करते हुए भी नजर आएंगी। बाटला हाउस में नोरा फतेही इससे पहले अपनी एक्टिंग की झलक दिखा चुकी है जिसकी तारीफें भी हुई थी। इसके बाद नोरा को अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने का मौका मिला है भुज में। ट्रेलर के सामने आते ही नोरा ने अपनी झलक फैंस को इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर की है जो कि फैंस को हैरान करने वाली है। यहां पर इस सीन के साथ नोरा जय हिंद बोलते हुए नजर आ रही है। नोरा फतेही ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने फिल्म में ऐसा किरदार निभाया है जिसे देखने के बाद लोगों को, दर्शकों को मुझ पर गर्व महसूस होगा। इस ट्रेलर को देखने पर नोरा फतेही के 3 डायलॉग शामिल किए गए हैं जहां वो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए सिपाही के तौर पर पूरी तरह से तैयार है। नोरा फतेही की ट्रेलर में झलक फैंस को दीवाना बना रही है। उसके अलावा जितने भी किरदार है संजू बाबा और सोनाक्षी सिन्हा, अजय देवगन, ये तो छाए हुए है। साथ ही शरद केरकर की जो दमदार आवाज है वो हमेशा से लोगों को दीवाना बनाती रही है, तो इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें इसे OTT पर रिलीज किया जाएगा, लेकिन ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि काश ये बड़े पर्दे पर होती तो और भी ज्यादा मजा आता। तो दोस्तों आप कितना वेट कर रहे हैं इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह दोस्तों भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में जाने कौन कौन लेगा अहम हिस्सा, किसी कहानी पर आधारित है फिल्म भुज, कौन थे विजय कार्तिक। एक के बाद एक हिट पिक्चर्स देने के बाद एक बार फिर आ चुके हैं एक्टर अजय देवगन अपने नए प्रोजेक्ट के साथ। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी और मैं लेकर आई हूं आज आपके लिए टी सीरीज के प्रोडक्शन हाउस में तैयार हुई फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक द्विवेदिया हैं और प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, गिनी खनूजा, कृष्ण कुमार के संग कई अन्य प्रोड्यूसर्स ने अंडर द बैनर टी सीरीज सिलेक्ट मीडिया होल्डिंग्स LLP। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2019 में शुरू हो गई थी जिसमें कई सिटीज शामिल थी जैसे हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, इंदौर, भोपाल व दुबई। पर फिर मार्च 2020 से ये तो शूटिंग व प्रोडक्शन का सारा काम मानो थम ही गया था। सही बात है और कर भी क्या सकते थे मेकर्स, इस कोरोना वायरस ने तो सबके हाथ पांव जो बांध दिए थे। पर दोस्तों ये तो अच्छा हुआ था कि फिल्म 90% तक कंप्लीट हो चुकी थी। हालांकि पोस्ट प्रोडक्शन का काम रुक जाने के कारण फिल्म की रिलीज में देरी आ गई थी, पर वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। मार्च 2021 में फिल्म को फाइनल रैप अप दिया गया। अजय ने आखिरी शूटिंग हैदराबाद में की। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में नजर आने वाले। इनके अलावा फेमस एक्टर सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, नोरा फतेही व महेश शेट्टी भी हैं। अजय भुज में स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्तिक के किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों बता दूं कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित एक वॉर एक्शन मूवी है। टॉलीवुड इंडस्ट्री की हीरोइन प्रणीता सुभाषिन फिल्म से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाली है। खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि फिल्म में और भी कई सितारे मौजूद होंगे। ये तो सुनकर ही एक्साइटमेंट होने लगी, आखिर इतने सारे एक्टर जिस फिल्म में होंगे, फिल्म तो बेशक लाजवाब ही होगी। दोस्तों खबरों की माने तो फिल्म 14 अगस्त 2020 को थिएटर्स में आने वाली थी, पर वो कोविड-19 की वजह से इस फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाते हुए उसकी फाइनल डेट 29 जून 2021 को रखी गई थी। वैसे तो सिचुएशन ठीक होने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। कोरोना के सेकेंड वेव को देखते हुए मेकर्स का फाइनल डिसीजन ये है कि वो इस फिल्म को थिएटर में नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे। तो दोस्तों हम अपने प्यारी जनता को ये बताना चाहेंगे कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आएगी उनके फेवरेट एक्टर अजय देवगन की मूवी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। फिल्म के सॉन्ग को लेकर कहा जा रहा है कि फैंस को इस फिल्म के सॉन्ग जरूर पसंद आएंगे। म्यूजिक दिया है विशाल शेखर। अजी इस जोड़ी का तो नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि गाने तो वाकई लाजवाब होंगे। इसके पूर्व बाटला हाउस, बचना है हसीनो, हैप्पी न्यू ईयर में ओम शांति ओम जैसी फिल्मों के भी सुपरहिट गाने गाए हैं। हाल ही में अजय ने ताना जी से ढेर सारी कमाई की थी, उसके बाद ये नया प्रोजेक्ट लेकर उतर रहे हैं OTT पर। फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटना पर आधारित है। हमारी सेना के शौर्य की न जाने कितनी अनसुनी कहानियां, कितने ऐसे हीरो हैं जिनके बारे में हम कम ही जानते हैं। अब दोस्तों फिल्म के ही बहाने हमें ये पता तो चलेगा कि किस तरह सेना के जवानों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने भुज यानी कि गुजरात के मधापुर इलाके में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्रिप
को तहस नहस कर दिया था। स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्तिक ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए वहां रहने वाली 300 महिलाओं के साथ मुश्किलों से जूझते हुए एयर स्ट्रिप को वापस तैयार किया, जिसमें प्लेन में सवार सेना के जवान सुरक्षित लैंड हो सके। विजय कार्तिक ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। हौसले और जज्बे की इसी ट्रू स्टोरी को डायरेक्ट अभिषेक भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में एक बार फिर जिंदा करने जा रहे हैं। अभिषेक की ये न्यू प्रोजेक्ट होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, अजय के अलावा उनके ऑपोजिट होंगी सोनाक्षी सिन्हा, जो सुंदर बेन जेठा मदा परिया के रोल में है, जिन्होंने वहां की औरतों के साथ वॉर सिचुएशन में एयरफोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एयर स्ट्रिप बनाने का काम किया था। फिल्म की बेहतरीन कहानी सुनने के बाद जब पता चलता है कि इतने सारे होनहार एक्टर फिल्म का अहम हिस्सा लेने वाले हैं, एक्साइटमेंट तो डबल ट्रिपल होने लगती है। जानना बहुत खास होगा कि फिल्म में और कितने रोमांचक सीन्स होंगे। बाकी की कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। अजय देवगन इज बैक विथ हिज ऑफिसर लुक। इस बार हमारे लिए कुछ अलग लेकर आ रहे हैं। अजय देवगन एक ऐसे एक्टर है जिन्हें किसी भी किरदार में डालो वो छा ही जाते हैं। चाहे वो गुस्से में उंगली तोड़ने वाला गोलमाल का कॉमेडी कैरेक्टर हो या फिर सिंघम का चार्मिंग डिसिप्लिन्ड इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम हो, दर्शक उन्हें सारे रोल्स में पसंद करते हैं। उनके आज तक के सबसे सराहना मिलने वाले रोल्स में से कुछ थे बाजीराव सिंघम का रोल और रेड में उन्होंने निभाया हुआ ऑफिसर, और साथ ही साथ दृश्यम में चालबाज पिता का उनका सीरियस वाला रोल, जिसका मतलब ये है कि उनको उनके कॉमेडी किरदारों से ज्यादा स्ट्रिक्ट और सीरियस रोल्स में दर्शक ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही एक सीरियस ऑफिसर का रोल निभाते हुए अजय देवगन हमें फिर से दिखाई देने वाले हैं। मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड में नई आने वाली फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, इस फिल्म के बारे में। आज के वीडियो में नजर डालते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में और अजय देवगन का इसमें कौन सा किरदार है इसके बारे में जानने के लिए। कई फिल्मों में सब पुलिस वाला किरदार निभाने के बाद अजय देवगन अब भारतीय वायुसेना के सदस्य के रूप में दिखाई देंगे। वह भुज द प्राइड ऑफ इंडिया नामक इस फिल्म में IAF विंग कमांडर विजय करनी की भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभिषेक दुधैया द्वारा लिखित और निर्देशित ये फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की सच्चे घटनाओं पर आधारित है। निर्माताओं के अनुसार स्क्वाड्रन लीडर विजय करनी 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज थे। ये कर्मिक और उनकी टीम थी जिन्होंने स्थानीय महिलाओं की मदद से गुजरात के भुज में नष्ट हुई भारतीय वायुसेना की हवाई पट्टी का पुनर्निर्माण किया, जिसे भारत का पर्ल हार्बर क्षण कहा जा सकता है। इस इंसिडेंट में हवाई हमले किए गए थे जिसमें पाकिस्तान ने उस पर बम गिराए थे। कर्मिक ने आसपास के एक गांव की 300 निडर महिलाओं को हवाई पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए राजी किया था ताकि भारतीय सेना के अधिकारियों को ले जाने वाली एक उड़ान सुरक्षित रूप से उतर सके। उसने दो अन्य अधिकारियों, 50 वायु सेना के सैनिकों और 60 रक्षा सुरक्षा कर्मियों के साथ भारी पाकिस्तानी बमबारी के बावजूद एयरबेस को चालू रखने का शानदार काम किया था। फिल्म के बारे में बात करते हुए भूषण कुमार, जो फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, ने कहा, इस साहसी कहानी को बताने की आवश्यकता है क्योंकि हम चाहते हैं कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को इस बहादुर सैनिक स्क्वाड्रन लीडर विजय करनी के बारे में पता चले, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1971 की लड़ाई में भारत को जिता दिया। वह एक युद्ध में नागरिकों को शामिल करने के इस साहसिक कदम को उठाने के लिए पर्याप्त रूप से वीर थे। इसके अलावा विजय करनी की भूमिका के लिए अजय देवगन से बेहतर कौन हो सकता है भला। और इस तरह से इस साहसिक कहानी को हमारे सामने अजय देवगन जल्द ही लेकर आने वाले हैं। ये फिल्म 15 अगस्त 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। इसमें हमें अजय देवगन के साथ संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, परिणीति चोपड़ा, शरद केलकर प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अजय देवगन की अब तक की कौन सी मूवी आपकी सबसे फेवरेट है। और जाते जाते वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।
ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ। क्या है संजय दत्त का रोल फिल्म भुज में? किसको दिया गया लीड कैरेक्टर विजय कार्निक का रोल? क्या नोरा फतेही फिल्म में देंगी आइटम सॉन्ग? ताना जी के बाद आ गया है आप सबके बीच एक नया प्रोजेक्ट जिसमें अपने एक्शन दिखाएंगे एक्टर अजय देवगन। बोलिया स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम और अजय देवगन साल 2020 में ऐसे का सुपरस्टार बन गए थे जिसे करने का नाम जो है कोई उनके पीछे ही पड़ गया था कि हर एक प्रोजेक्ट अब वही करेंगे। अब जो है उन्होंने ऐसी रफ्तार पकड़ ली है कि वो काम उस रफ्तार को कम करने का नाम ही नहीं ले रहे। अजय देवगन की तानाजी द अनसंग वॉरियर ने अपने रिलीज के शुरुआती हफ्तों में तो सिनेमा घरों में तहलका मचा रखा था। फिल्म लगभग 250 करोड़ तक का आंकड़ा पार किया है। इसी के साथ ये फिल्म अजय देवगन के करियर की सबसे सफल फिल्म बन चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2020 में भले ही कम न्यू मूवीज आई हैं, पर जितनी भी आई हैं उनमें से तानाजी ने सुपरहिट कलेक्शन किया है और बन गई है वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2020। इतनी बेहतरीन हिट देने वाले अजय देवगन इस साल आ चुकी है उनकी सच्ची घटनाओं पर आधारित मूवी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के साथ। इस फिल्म को लेकर डायरेक्टर कर जो है फिल्म डायरेक्शन में डेब्यू दे रहे हैं और एक्टर अभिषेक दूधिया है जो फिल्म निर्माता टी सीरीज जो हमारे सिलकेट मीडिया है और हॉलसिंग LLP के बैनर के बाय प्रोजेक्ट्स ऑफ भूषण कुमार, गिन्नी खनूजा, कृष्ण कुमार व अन्य कई सारे। फिल्म में मुख्य लीड के रूप में नजर आएंगे अजय देवगन, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, नोरा फतेही व महेश शेट्टी भी। फिल्म की कहानी है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सच्ची घटनाओं पर आधारित हौसले और जज्बे के इस टू स्टोरी को डायरेक्ट अभिषेक दूधिया ने किया है। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के बारे में फिर से जिंदा करने जा रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक के रोल में अजय देवगन होंगे। फिल्म में अजय देवगन जो है संजय दत्त के पग्गी रणजोर दास सवास भाई रावेरी का किरदार निभाएंगे। पग्गी ऐसा एक शख्स है जो पैरों के निशान में किसी इंसान की हाइट, जेंडर या वजन बता सकता है। सुनने में ये तो वाकई काफी बड़ी बात लगती है, देखना बहुत मजेदार होगा कि किस तरह इस क्वालिटी की इस्तेमाल करते हैं। रणछोड़ यानी कि इंडस्ट्री के बाबा संजय दत्त। फिल्म के बाकी स्टार कास्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है। सोनाक्षी सिन्हा जो है सुंदर बेन जेठा मधा पार्य के रोल में है जिन्होंने वहां की औरतों के साथ वॉर सिचुएशन के एयरफोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एयर स्ट्रिप बनाने का काम किया था। वहीं नोरा फतेही की बात करें तो इस बार वे फिल्म्स में कई आइटम नंबर पेश करती नजर आएंगी नहीं बल्कि लाहौर में उनकी जो हमारी वाली एक स्पाई के किरदार में नजर आ सकती हैं। वॉर बैकड्रॉप पर बनने जा रही इस फिल्म में जो पिक्चराइजेशन, प्रोडक्शन और स्टार कास्ट के लिए काफी चैलेंजिंग होगी। फिल्म वैसे तो कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन से पहले ही लगभग 90% तैयार की जा चुकी है और बस थोड़ी शूटिंग और प्रोडक्शन का काम आधा रुका है जिसके कारण फिल्म की रिलीज डिले हो रही है। खबरों की मानो तो फिल्म की 14 अगस्त 2020 को थिएटर में आने वाली थी पर अब ये इस वर्ष आएगी। साथ ही COVID-19 की दूसरी वेब इतनी बढ़ चुकी है कि ऐसे में बेहद खतरनाक होगा यदि फिल्म थिएटर्स में आए, इसलिए मेकर्स ने ये फैसला किया है कि फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म आएगी 29 जून 2021 को। फिल्म में प्रणीता सुभाष, श्रद्धा कपूर जैसे अभिनेत्रियों के होने के भी चांसेस हैं। जिनको प्रणीता के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये टॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री हैं जो बॉलीवुड में भुज फिल्म में अपना डेब्यू करने जा रही हैं। इतनी तगड़ी भड़कती फिल्म में डेब्यू करने आ रही है प्रणीति, जिनको जनता पसंद करे इसकी हम भरपूर उम्मीद करते हैं। डायरेक्शन की दुनिया में नए नए अभिषेक दूधिया ने भी कमाल के प्लॉट स्टोरी चुनी है जिसके बाद हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि वो आगे और भी अच्छी मूवी प्रोडक्शन करेंगे। तो आगे की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कौन सा किरदार प्ले कर रही है सोनाक्षी सिन्हा? क्या नौरा बनी पाकिस्तानी डांसर? नमस्कार, मैं अपर्णा सिन्हा और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। मूवी का ट्रेलर 12 जुलाई को सामने आया था। यह धमाकेदार ट्रेलर देखने के बाद कोई भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा है। ट्रेलर की शुरुआत 1971 भुज गुजरात की डेट के साथ होती है के बाद दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय एयरबस पर अचानक हमला कर देती है जिसके बाद भारतीय सेना भी इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देते दिखाई देगी। ट्रेलर में मिसाइल लॉन्च से लेकर वॉरशिप्स पर हमले और बहुत कुछ दिखाया गया है। इस फिल्म में
अजय देवगन के अलावा संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, एमी विर्क, नोरा फतेही और शरद कैलकर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। इस मूवी में अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा का लुक तो पहले ही सामने आ चुका है। मूवी में सोनाक्षी सिन्हा सुंदरबेन जेठा मधापरिया के रोल में नजर आएंगी, जो एक जानबाज सामाजिक सेविका थी। उन्होंने 299 महिलाओं के साथ भारतीय सेना का साथ दिया था। महिलाओं की इस बहादुर फौज ने सेना के लिए रनवे तैयार किया था। बात करें सुपरस्टार अजय देवगन की, तो वे इसमें इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर विजय कार्निक का किरदार निभा रहे हैं। अभिषेक दुधिया की बतौर निर्देशक ये पहली मूवी है। वेल, अब बात करें अपनी ग्लैमरस अंदाज के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही की, तो इस मूवी में वो काफी अहम भूमिका निभाएंगी। बताया जा रहा है कि फिल्म में नोरा फतेही ने पाकिस्तान की एक डांसर का किरदार निभाया है, जो वास्तव में भारत की खुफिया एजेंसी के लिए काम करती है। नोरा का किरदार एक रॉ एजेंट का है, जो पाकिस्तान सेना की खुफिया जानकारी भारतीय सेना को भेजती हैं। अपने देश की रक्षा के लिए वह हर हद पार करने के लिए तैयार रहती हैं। भूज में जब पाकिस्तान में युद्ध छिड़ता है, तब वह हर पड़ाव को पार करते हुए दुश्मनों की गोलियों का सामना भी करती हैं। नोरा का डायलॉग लोगों को बेहद पसंद आया है, और उनका डायलॉग क्या है चलिए हम आपको बताते हैं। या खुदा, अपनी अदालत में मेरी एक जमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे हिंदुस्तान को सलामत रखना। जब नोरा ये डायलॉग बोलती है, तो ऐसा लगता है मानो कोई असली सिपाही बोल रहा है। नोरा ने अपने किरदार को बखूबी निभाते हुए उसे रियलिस्टिक बनाया है। नोरा ने साबित किया वह एक सरप्राइज पैकेज है, जिन्हें स्क्रीन पर देखना कभी घाटे का सौदा नहीं हो सकता। रिपोर्ट्स की माने तो लोगों का कहना है कि नोरा हिंदुस्तान के लिए बलिदान देंगी, लेकिन मानना पड़ेगा नोरा ने गजब की एक्टिंग की है। नोरा का यह किरदार आलिया भट्ट की राजी किरदार से मिलता जुलता है। हालांकि वास्तव में वह महिला कौन थी जिसका किरदार नोरा ने निभाया है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। वैसे तो नोरा कई मूवी में अभिनय कर चुकी हैं, भले ही उनके छोटे से रोल रहे हैं, लेकिन उन छोटे से रोल में भी नोरा ने कमाल की एक्टिंग की। मूवी बाटला हाउस की बात करें, तो इस मूवी में नोरा ने बहुत ही छोटा सा किरदार निभाया था, लेकिन वह छोटा सा रोल बहुत ही जानदार था। अब नोरा ने एक बार फिर से अपने अभिनय से अपने प्रशंसकों को हैरान कर दिया है। और तो और भूज के ट्रेलर में नोरा का नॉन ग्लैमरस अंदाज को दर्शकों को काफी पसंद किया जा रहा है। अब बात करें कन्नड़ एक्ट्रेस प्रणीता सुभाष की, तो वो भी भूज में नजर आने वाली है। आपको बता दें प्रणीता भूज के साथ साथ हंगामा 2 में भी नजर आने वाली है। हंगामा 2 जो इससे बिल्कुल अलग है और लाइट कॉमेडी मूवी है। एक्ट्रेस प्रणीता सुभाष को अजय देवगन स्टार फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया के लिए अप्रोच किया गया है। मूवी में वो डबल रोल में नजर आने वाली हैं। इस मूवी के लिए प्रणीता बाहुबली फेम एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी की तरह चैलेंजिंग किरदार निभाएगी। अपनी अगली मूवी में प्रणीता जहां तक एक भूमिका में स्लिम गर्ल का किरदार निभाती दिखेंगी, तो वहीं दूसरे रोल में वे इससे अपोजिट यानी मोटी लड़की के रूप में दिखाई देंगी। बता दें कि बाहुबली में देवसेना का किरदार निभाकर जबरदस्त पॉपुलैरिटी बटोरने वाली अनुष्का शेट्टी भी अपने एक मूवी के लिए ऐसी मेहनत कर चुकी है, जिसमें उन्हें काफी वजन गेन करना पड़ा था। अनुष्का की गिनती उन सेलेब्स में की जाती है जो अपने लुक के लिहाज से खुद को बदल देते हैं और उसी किरदार में पूरी तरह से ढल जाते हैं। उन्हें फिल्म साइज जीरो के लिए करीब 20 किलो वजन बढ़ाया था और फिर दोबारा साइज जीरो होने के लिए कड़ी मेहनत की थी। सुनने में आया है कि अब प्रणीता भी ऐसा ही कुछ करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रणीता ने अजय देवगन स्टार भूज द प्राइड ऑफ इंडिया के लिए भी वजन बढ़ाने का फैसला लिया है। प्रणीता अब अनुष्का शेट्टी के नक्शे कदम पर चलकर रोल में जान डालने की कोशिश में है। प्रणीता ने मूवी को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं हमेशा से ऐसी फिल्में करना चाहती थी
जो देशभक्ति और हार्ड हिटिंग हो। उरी और राजी जैसी देशभक्ति की फिल्में देखकर हर कोई उसका हिस्सा बनना चाहता है। अब यूजर्स रियल घटनाओं या रियल लोगों की कहानियां देखना पसंद करते हैं। प्रणीता ने बताया वो सबसे अच्छा अनुभव था जब टीम ने स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक और उनकी पत्नी मीशा से सेट पर मुलाकात की और उनके एक्सपीरियंस पर बात की। उन्होंने उस समय के कुछ दिलचस्प किस्से बताए। प्रणीता ने भूज पर फिल्म बनाते हुए डायरेक्टर और पूरी टीम जो सावधानी बरत रही है उनके बारे में बात की। उन्होंने कहा ये जरूरी है ताकि मूवी में तथ्यों के साथ गलत ना हो। प्रणीता ने कहा भूज आम मसाला फिल्मों की तरह नहीं है जहां हीरो एक सैनिक है लेकिन अचानक स्विट्जरलैंड में गाना गाने लगता है। प्रणीता का सपना है कि उन्हें एक बार SS राजमौली के साथ काम करने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि प्रभास और राजा मौली के साथ काम करना उनका सबसे बड़ा सपना है। यह मूवी स्वतंत्र दिवस के वीकेंड यानी 13 अगस्त को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। हालांकि मूवी में उनकी भूमिका दर्शकों को कितनी इम्प्रेसिव लगेगी ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब देखना यह है कि देश प्रेम से बनी यह मूवी हिट साबित होती है या नहीं और आप सभी भूज में अपने फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। क्या है संजय दत्त का रोल फिल्म भूज में? किसको दिया गया लीड कैरेक्टर विजय कार्निक का रोल? क्या नोरा फतेही फिल्म में देंगी आइटम सॉन्ग? ताना जी के बाद आ गया है आप सबके बीच एक नया प्रोजेक्ट जिसमें अपनी एक्शन दिखाएंगे एक्टर अजय देवगन। बॉलीग्रा स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम और अजय देवगन साल 2020 में ऐसे का सुपरस्टार बन गए थे जिसे करने का नाम जो है कोई उनके पीछे ही पड़ गया था कि हर एक प्रोजेक्ट अब वही करेंगे। अब जो है उन्होंने ऐसी रफ्तार पकड़ ली है कि वो काम उस रफ्तार को कम करने का नाम ही नहीं ले रहे। अजय देवगन की तानाजी द अनसंग वॉरियर ने अपने रिलीज के शुरुआती हफ्तों में तो सिनेमा घरों में तहलका मचा रखा था। फिल्म लगभग 250 करोड़ तक का आंकड़ा पार किया है। इसी के साथ ये फिल्म अजय देवगन के करियर की सबसे सफल फिल्म बन चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं 2020 में भले ही कम न्यू मूवीज आई हैं, पर जितनी भी आई हैं, उनमें से तानाजी ने सुपरहिट कलेक्शन किया है और बन गई है वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2020। इतनी बेहतरीन हिट देने वाले अजय देवगन इस साल आ चुकी है उनकी सच्ची घटनाओं पर आधारित मूवी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के साथ। इस फिल्म को लेकर डायरेक्टर कर जो है फिल्म डायरेक्शन में डेब्यू दे रही हैं और एक्टर अभिषेक दूधिया है जो फिल्म निर्माता टी सीरीज जो हमारे सिलकेट मीडिया है और हॉल सिंह LLP के बैनर के बाय प्रोजेक्ट्स ऑफ भूषण कुमार गिन्नी खनूजा कृष्ण कुमार व अन्य कई सारे। फिल्म में मुख्य लीड के रूप में नजर आएंगी अजय देवगन, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, नोरा फतेही व महेश शेट्टी भी। फिल्म की कहानी है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सच्ची घटनाओं पर आधारित हौसले और जज्बे के इस टू स्टोरी को डायरेक्ट अभिषेक दूधिया ने किया है। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के बारे में फिर से जिंदा करने जा रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णी के रोल में अजय देवगन होंगे। फिल्म में अजय देवगन जो है संजय दत्त के पग्गी रणजोर दास सवास भाई रावेरी का किरदार निभाएंगे। पग्गी ऐसा एक शख्स है जो पैरों के निशान में किसी इंसान की हाइट जेंडर या वजन बता सकता है। सुनने में यह तो वाकई काफी बड़ी बात लगती है। देखना बहुत मजेदार होगा कि किस तरह इस क्वालिटी की इस्तेमाल करते हैं। रणछोड़ यानी कि इंडस्ट्री के बाबा संजय दत्त। फिल्म के बाकी स्टार कास्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है। सोनाक्षी सिन्हा जो है सुंदर बेन जेठा मधा पारे के रोल में है जिन्होंने वहां की औरतों के साथ वॉर सिचुएशन के एयरफोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एयर स्ट्रिप बनाने का काम किया था। वहीं नोरा फतेही की बात करें तो इस बार वे फिल्म्स में कई आइटम नंबर पेश करती नजर आएंगी नहीं बल्कि लाहौर में उनकी जो हमारी वाली एक स्पाई के किरदार में नजर आ सकती हैं। वॉर बैकड्रॉप पर बनने जा रहे इस फिल्म में जो पिक्चराइजेशन प्रोडक्शन और स्टार कास्ट के लिए काफी चैलेंजिंग होगी। फिल्म वैसे तो कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन से पहले ही लगभग 90% तैयार की जा चुकी है और बस थोड़ी शूटिंग और प्रोडक्शन का काम आधा रुका है जिसके कारण फिल्म की रिलीज डिले हो रही है। खबरों की मानो तो फिल्म की 14 अगस्त 2020 को थिएटर में आने वाली थी पर अब ये इस वर्ष आएगी। साथ ही COVID-19 की दूसरी वेब इतनी बढ़ चुकी है कि ऐसे में बेहद खतरनाक होगा यदि फिल्म थिएटर्स में आए। इसलिए मेकर्स ने ये फैसला किया है कि फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म आएगी 29 जून 2021 को।
फिल्म में प्रणीता सुभाष, श्रद्धा कपूर जैसे अभिनेत्रियों के होने के भी चांसेस हैं। जिनको प्रणीता के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये टॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री हैं, जो बॉलीवुड में भुज फिल्म में अपना डेब्यू करने जा रही हैं। इतनी तगड़ी भड़कती फिल्म में डेब्यू करने आ रही है प्रणीति, जिनको जनता पसंद करे इसकी हम भरपूर उम्मीद करते हैं। डायरेक्शन की दुनिया में नए नए अभिषेक दूधिया ने भी कमाल के प्लॉट स्टोरी चुनी है, जिसके बाद हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि वो आगे और भी अच्छी मूवी प्रोडक्शन करेंगे। तो आगे की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। But it is a bit of a check one. Just one.